हेलो दोस्तों, कैसे हो? और सब ठीक? तो बेटा, अपन 11वें दंगल पहुंच चुके हैं। आज अपन 11वें दंगल में फिजिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। और देखिए, जो आपका मुख्य दंगल है, फाइनल दंगल है, ठीक है, मिस नीट का जो एग्जाम है उसमें केवल चंद दिन बचे हैं। मुश्किल से 8-9 दिन का सारा खेल अभी है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं, हम आराम से बहुत बढ़िया जीत सकते हैं इस आखिरी दंगल को, ठीक है, जो हमारा फाइनल दंगल है। बेटा, जीत या हार केवल अपनी सोच पर डिपेंड करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। करें स्टार्ट? चलो आओ मेरे प्यारों। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें इसका एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। कैसे फाइंड करते हैं एरिया, पता ही आपको। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। मीन्स हमें एरिया वैक्टर का निकालना है। कैसे निकालेंगे एरिया वैक्टर? ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर से, ठीक है। तो यहां से आपको पता ही है एरिया वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो कैसे निकाला जाएगा देखिए। देखो जो एरिया वेक्टर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे आप पैरेललोग्राम की हेल्प से, ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया वेक्टर निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। बस कुछ नहीं करना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दीजिए, ठीक है। चलो हिंट आपको दूं, जैसे आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखेंगे अपन, ठीक है। पहले आई कैप ए वेक्टर अरेंज करें, 2 एंड 3 है यहाँ पे, 2 3, यहाँ पे 0 है। बी वालों को अरेंज करें, 1 एंड 4 1 4 एंड 0, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा अपने यहाँ पे 5 यूनिट, ठीक है। इससे निकालने रिजल्ट आएगा 5 यूनिट, क्लियर। चलो आगे अपन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चो, एस आपको गिवन है, एस इक्वल टू ए वन माइनस ई पावर माइनस बी एक्स टी, ठीक है। एस यहाँ पे स्पीड है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम है, हमें यूनिट ऑफ बी फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं ई पे जो पावर होती है यूनिट लेस होती है, इसको हमें करना यूनिट लेस, ठीक है। मीन्स बी एक्स एंड टी को यूनिट लेस करना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है यूनिट ऑफ बी, तो बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? बी की यूनिट होगी बेटा 1/XT के इक्वल। बी की यूनिट 1/XT के इक्वल होगी, तभी यहाँ पे बी के ऊपर जो पावर बनेगी वो यूनिट लेस पावर बनेगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक्स को रख दें, एक्स की यूनिट बच्चों क्या है? मीटर, एंड टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड, ठीक है। ऊपर ले जाओ तो क्या जाएगा? मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। या गैस नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि बॉडी मूव्स इन अ प्लेन दैट डिस्प्लेसमेंट, देखो एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट गिवन है। आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैसे निकालें बेटा? पहले इसका निकाल लो वी एक्स, तो यहाँ पे इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा? 9t2। फिर निकालेंगे वी वाई, इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, क्या है डिफ्रेंशिएशन? 12t2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट के अंदर नेट वेलोसिटी, एक्स आ गई वाई आ गई, तो नेट वेलोसिटी जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 9t2 + 12t2, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ से आपको नेट वेलोसिटी मिल जाएगी 15t2 के इक्वल, यह जाएगा आंसर 15t2, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड आंसर आ गया, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है, मेडिकल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन अपने इसके अकॉर्डिंग सेट किए हैं। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, वन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 एंड अदर इज 60 डिग्री, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो जो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, हम जानते हैं h इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। यू समझ लें कि h इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों? h इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन स्क्वायर थीटा, h इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन स्क्वायर थीटा। बस इसका यूज करना है, एक बार एंगल 30 ले लो और एक बार 60, मिस h1/h2 निकालेंगे। तो पहले हम लेंगे 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 square, ठीक है। फिर बच्चों साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये 1:3, ये आ जाएगा रिजल्ट 1:3, ठीक है, सेकेंड आंसर, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आपसे रेशियो ऑफ वेट ऑफ मैन स्टेशनरी लिफ्ट, मतलब पहले लिफ्ट स्टेशनरी मतलब रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, उसका फिर लिफ्ट मूव कर रही है बच्चों डाउनवर्ड, ठीक है, लिफ्ट डाउन मूव कर रही है, तो और एक्सलेशन ए दिया हुआ है आपको, वेट का रेशियो 3/2 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, तो सीधी बात है बच्चों, यहाँ पे वेट अपॉन W1/W2 करेंगे, तो वेट जब लिफ्ट रेस्ट में है तो वेट तो उसका एग्जैक्ट वेट mg होगा, बट बच्चों लिफ्ट जब मूविंग डाउनवर्ड है, तो मूविंग डाउनवर्ड है तो अंदर सुडो फोर्स अपवर्ड एक्ट होगा, तो वेट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, m g - a हो जाएगी, ठीक है। तो ये रख दो वेट रेशो 3/2, ठीक है, g/g - a, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकालना है? a फाइंड करना है,
तो क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g, 2g इज इक्वल टू 3g माइनस 3a, ठीक है, 2g इज इक्वल टू 3g माइनस 3a, तो यहां से a इज इक्वल टू कितना होगा, 5g बाय 3, a इज इक्वल टू 5g बाय 3, कौन सा आंसर आ रहा है इसके अंदर, अच्छा क्या गड़बड़ कर दी इसके अंदर, अच्छा 5g नहीं, दोबारा देखिए इसके अंदर, यहां पे W1 अपॉन W2, MG अपॉन ME2, G माइनस A, ये रेशो 3:2 है, तो 3/2, तहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2G और ये 3G, अच्छा यहां पे माइनस करेंगे ना, तो यहां पे G आएगा, 5G कहां लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया 5G, देखिए 3G एंड इज इक्वल टू 2A है, तो यहां पे बेटा 2A, तहां से माइनस करेंगे इसके अंदर, देखो इधर क्या कह रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2G, ठीक है, इज इक्वल टू 3G माइनस 3A, ठीक है, तो यहां से 3a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3a इज इक्वल टू g हो गया, 3a इज इक्वल टू g, तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा, g बाई 3, तो क्या आंसर आ जाएगा, g बाई 3, सेकंड आंसर, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो अब आए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे आपसे कह रहा है, इसमें आपको फाइंड करना है मैग्नेट ऑफ इंपल्स, इंपल्स निकालना है भाई, देखिए इंपल्स क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, ओके, संवेग में परिवर्तन को हम बोलते हैं आवेग, तो यहां पे देखिए, यहां पे स्टार्टिंग में इस जगह वो ग्राफ एक्स वर्सेस टी है, इसका स्लोप हमें बताएगा वेलोसिटी को, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाले, क्या ही होता है वेलोसिटी v1, इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस भी कितना है 2a, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 आ जाएगा ये, फिर यहाँ पे निकालेंगे इस जगह v2 निकालें, मतलब इस पॉइंट पे निकालना है अपन को इंपल्स, ठीक है, इंपल्स निकालना है, यहाँ पे इस जगह टक्कर हुई, अचानक से वेग चेंज हुआ, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, तो v2 से पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे ये आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें इंपल्स निकालना है, इंपल्स, तो इंपल्स क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या कहते हैं, मास इनटू v2 माइनस v1, ठीक है, तो यहां से v2 माइनस v1 करेंगे, मास तो हमें कितना गिवन है, कितना गिवन है 0.4, और यहाँ पे v2 माइनस v1 करिए, तो v2 माइनस v1 करने पे -2 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या माइनस ऑफ 0.8, इसका निकालना हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, ये 0.8 न्यूटन टू सेकेंड, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कांटेक्ट विद अ कार्ट c एज शोन इन फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडी फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट इज म्यू, ठीक है, द स्ट्रेस कार्ट प्रिवेंट ब्लॉक, मतलब आपसे कह रहा है कि इस एक्सटेंशन की वैल्यू क्या होगी जिससे ये बॉडी नीचे ना फिसले, तो चलो देखो यहां पे इसको हम आगे मूव करा रहे हैं, तो इस एक्सटेंशन से तो सुडो फोर्स एक्ट होगा बैक साइड में, ठीक है, ये एक्ट होगा सुडो फोर्स, ठीक है, स्यूडो फोर्स इससे एक्ट होगा, तो जो यहाँ पे इसमें नॉर्मल रिएक्शन एन लग गया इधर, नॉर्मल रिएक्शन, और जो इस बॉडी की जो स्लाइडिंग टेंडेंसी वाला mg वेट लग रहा है डाउन साइड में, इसको रोकेगा कौन फिसलने से, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि एक्ट होगा इधर इस तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहां से हम देखें बच्चों इसमें हम चाहते हैं बॉडी नीचे ना फिसले, तो एक्सेलरेशन हाई होना चाहिए, मींस a इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, चलो आप इसे समझ लो इस तरह से, यहाँ पे जस्ट अपन प्रिवेंट की बात करें, ठीक है, पहले अपन जस्ट बैलेंस की बात करें, जस्ट बैलेंस, तो जस्ट बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, mg इक्वल टू fl, ठीक है, mg इक्वल टू fl, तो fl की वैल्यू क्या होती है, μ into n, तो μ into n, n कितना दिख रहा है, ma, ठीक है, तो यहाँ पे तो बेटा m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या है, g बाई म्यू, अब हमें बच्चों आराम से बैलेंस कंडीशन मेंटेन रखनी है, ठीक है, फॉर बैलेंस, और ऑलवेज बैलेंस, ठीक है, ऑलवेज बैलेंस, हमेशा अगर हम चाहते हैं बैलेंस बना रहे, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मतलब इक्वल हो तो चलेगा, ग्रेटर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आराम से बैलेंस मेंटेन रहेगा, तो इसलिए मोर करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ये फोर्थ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू, ठीक है, ऐसे अपन टिक कर सकते हैं इसको, क्लियर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर एट में क्या, ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, यहाँ बच्चों क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे, ठीक है, तो क्या बोल रहा है बच्चों आपसे, हमें मैक्सिमम मोमेंटम निकालना है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों जब बॉडी आगे इससे स्ट्राइक करेगी तो इसका मोमेंटम डिक्रीज होगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, तो हम कहते हैं KE लॉस, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, ये क्या है इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी गेन के इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी गेन। अब काइनेटिक एनर्जी लॉस बच्चों यहाँ पे मोमेंटम की बारी बात कर रहा है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी वैसे तो जनरली फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हाफ एमवी स्क्वायर, बट यहाँ मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लगाएंगे, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये लगाएंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m,
ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है ठीक है, उसमें कंप्रेशन कितना गिवन है आपको एल, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला, हाफ के एल स्क्वायर अप्लाई कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल, इसको ले आएंगे तो पी इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ एम के और एल, क्योंकि एल स्क्वायर का रूट एल हो जाएगा, तो कौन सा आंसर आ गया थर्ड, ठीक है ऐसे अपन समझ सकते हैं। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन 9 क्या है, रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल मेड स्टैंड एट एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इन दिस पोजीशन इज, देखिए आप क्यों कह रहे बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये रॉड 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग है, ये एंगल 60 डिग्री है ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ बच्चों यहाँ पे होगा सीएम, इसका सीएम जो कि ये लेंथ कितनी होगी एल बाई टू, क्योंकि इसकी लेंथ अगर एल है तो हाफ लेंथ क्या हो जाएगी एल बाई टू हो जाएगी ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखिए अभी इसका सीएम यहाँ पे था इस जगह, अब यहाँ पहुंच चुका है, तो यहाँ से हम देखें इसकी यहाँ से हाइट कितनी है, ये हाइट ठीक है, ये हाइट इस सीएम की यहाँ से जो ग्राउंड से हाइट है एच है, हमें ये एच चाहिए, वही एच से अपन क्या निकालेंगे एमजीएच करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर इस एल बाई टू का इधर कंपाउंड करो, कंपाउंड करेंगे तो क्या बेटा एल बाई टू कॉस 60 कॉस 60 ठीक है, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या जाएगा एच इज इक्वल टू हम इस टोटल एल बाई टू में से माइनस कर देंगे एल बाई टू कॉस 60 को, कॉस 60 क्या होता है बेटा 1/2 होता है, तो क्या हो गया एल बाई फोर हो गया, एच इज इक्वल टू एल बाई फोर ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, यू इज इक्वल टू क्या होता है एम जी एच ठीक है, तो एम जी एच करेंगे तो एम जी एल बाई फोर, कौन सा आंसर आ गया बेटा इसके अंदर ये जाएगा एम जी एल बाई फोर, फोर्थ आंसर आ जाएगा ठीक है। तो ऐसे अपन सोच लेंगे इसको, क्लियर। चलो आगे बढ़े बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, रॉड ऑफ लेंथ एल बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, इसका आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस, तो जो एक्स वाई कौन सी है डायमीटर एक्सिस है ठीक है, व्यास वाली अक्ष है, व्यास वाली अक्ष का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस एक्सिस का निकालना है आई, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू यूज करेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू ठीक है, तो एम बाई टू। अब यहाँ पे आर क्या होगी, देखो यहाँ पे इसको हमने सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड किया है, ये लेंथ आपको एल देख रही है, लेंथ कितनी बच्चों एल है ठीक है, सेमी सर्किल की वैल्यू क्या होती है पाई आर ठीक है, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो गया एल अपॉन पाई ठीक है, क्यों हम जानते हैं कंप्लीट सर्किल टू पाई आर, हाफ सर्किल पाई आर ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन पाई रख देंगे यहाँ पे एल अपॉन पाई स्क्वायर, तो कौन सा हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर, कौन सा आंसर बैठ जाएगा ये जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका ओके। चलो अब देखें आगे 11, क्वेश्चन नंबर 11, टू मासेस ऑफ 0.25 केजी ईच मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 3 एंड 1 कोलाइड एंड स्ट्राइक टुगेदर, फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी, और टू मास टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करें हम मोमेंटम कंजर्वेशन ठीक है, जब भी कॉलिजन होती है हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करते हैं, तो लगा दो उसमें संवेग संरक्षण ठीक है, पी इनिशियल में दोनों बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रही है, मीन दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक की प्लस है वेलोसिटी तो एक की माइनस है ठीक है, तो 0.25 इनटू क्या है वेलोसिटी इसकी बेटा यहाँ पे 3 है, और दूसरे का मास भी हमें इतना ही गिवन है, तो आप माइनस में कर देंगे 0.25 इनटू कितना जाएगा 1, माइनस क्यों किया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इज इक्वल टू दोनों अटैच हो गए, तो नेट मास क्या हो गया 0.5 ठीक है इनटू वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी ये हमें निकालनी है, तो कितना हो गया बेटा ये 0.25 into 3 माइनस करेंगे तो 0.25 into 2 दैट इज 0.5 आएगा ठीक है, 0.5 इज इक्वल टू 0.5 into v, यहां से v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, ऐसे अपन निकाल लेंगे ठीक है, आई बस समझ में ठीक हो। अब देखिए चलो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस और टू स्ट्रेन, मतलब बच्चों यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मतलब प्रतिबल एंड विकृति के अनुपात की बात कर रहा है, जो कि अपन जानते हैं बच्चों क्या होती है इलास्टिसिटी ठीक है, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये अपन जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होती है इलास्टिसिटी, इज इक्वल टू क्या होती है फिक्स्ड ठीक है, ये वैल्यू फिक्स्ड होती है जो कि केवल इस पर डिपेंड करती है मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे ठीक है, तो इसलिए ये रेशियो क्या होगा, मतलब आप यहाँ पे स्ट्रेस को इंक्रीज करोगे तो ई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई तो केवल किसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करती है ना स्ट्रेन पे ठीक है, तो क्या जाएगा इसका आंसर रिमेन कांस्टेंट ठीक है, ये देख लिया अपन ने। चलो अब देखें यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, ठीक है रेन ड्रॉप की स्फेरिकल शेप क्यों होती है बच्चों, ड्यू टू सरफेस टेंशन,
क्यों हम जानते हैं सरफेस टेंशन की वजह से इसकी सरफेस जो है एज ए स्ट्रेस मेम्ब्रेन बिहेव करती है, खींची हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है, इसलिए शेप इसकी स्फेरिकल होती है। ओके, यहाँ पे सरफेस टेंशन आ जाएगा इसका आंसर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड गिवन है एंड टाइम पीरियड 2 गिवन है, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो चलो देखो, वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए ओमेगा, पढ़ा हुआ आपने बचपन में, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। ठीक है, ओमेगा रखते हैं अपन 2π/T, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है तो 2π/T रख दिया। देखिए ए, ए हमें कितना गिवन है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड 50 mm, मतलब 50/1000, 2π/T, टाइम पीरियड हमें 2 सेकंड गिवन है। ठीक है, टाइम पीरियड 2 सेकंड, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 5π/100, 5π/100 ये कर देंगे, पाई को 3.14 होती है, तो 5 × 3 = 50, मतलब लगभग यहाँ पे 1.15 के समथिंग ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा अपन निकाल लेंगे कि यहाँ पे पाई को लगभग 3 मान लें, तो 5 × 15, तो पर 15/100 दैट इज लगभग 0.5 ही बन गया रिजल्ट। ठीक है, चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एरा 15। ठीक है, आइडियल गैस के लिए जो हमें ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, PT² = constant, हमें यहाँ पे बताना है कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखिए PT² = constant है, तो जो यहाँ पे हमें इसको पहले वॉल्यूम के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पी को करेंगे यहाँ पे एलिमिनेट यूजिंग गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = μRT, तो उसको लिख देंगे μRT/V। ठीक है, एंड T² = constant। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसके अंदर यहाँ पे T³ = क्या हो गया बेटा, V। ठीक है, दोनों तरफ कर दें अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, तो 3 δT/T = δV/V। अब δV/V ये किसको शो करेगा, γδT को, γδT को शो करेगा। तो यहाँ से δT से δT कैंसिल करो, δT से δT कैंसिल, तो γ = क्या हो गया, 3/T, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, आपको यहाँ पे 2 roads गिवन है, एक सेमी सर्कुलर रोड है, एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, इनमें अपन टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसमें जो हीट जो ट्रांसफर हो रही है उसका रेशियो क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, हीट ट्रांसफर मतलब क्यू का रेशियो निकालना है। तो अपन जानते हो चो यहाँ पे dQ/dt = kA δT/L। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ अपन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये πr के इक्वल है। ठीक है, एंड जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, 2r के इक्वल है ये लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसमें जो रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा उसका वैल्यू पर बताएं क्या होगा। देखिए यहाँ से देखिए dQ मतलब जो फ्लो ऑफ हीट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/लेंथ। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सेमी सर्कुलर रॉड। ठीक है, पहले हमें सेमी सर्कुलर रोड की बात कर रहे हैं, तो इसमें से हीट जो आ रही है ये Q1 है, हीट ये हीट Q1 है, और इसमें से हीट जो जा रही है वो Q2 है। तो Q1/Q2 निकालना है, तो Q1/Q2 = क्या जाएगा, L2/L1। तो L2/L1, तो L2 यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 2R। ठीक है, ये लेंथ 2R है और ये लेंथ कितनी है, πr। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, 2/π। तो 2/π कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 2/π आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में आप कह रहा है कि यहाँ पे T1 27 है, T2 127 है, रेशो P1/P2 बताना है। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है, तो उस केस में हम देखें यहाँ पे पी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी। ठीक है, तो P1/P2 = क्या आएगा बेटा, T1/T2। T1/T2 करना है, तो T1 हमें दे रखा है 27°C मिस 300 Kelvin, T2 दे रखा है 127 मिस 400 Kelvin। ठीक है, तो यहाँ पे Kelvin में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आएगा, 3/4, तो आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन हीट ट्रांसफर विच ऑफ दी मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो चो यहाँ पे ग्रेविटेशन में कौन बेस्ड है, जो नेचुरल कन्वेक्शन होता है, प्राकृतिक संवहन, ये किसे बेस्ड है, ग्रेविटी पे। हम देखते हैं इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स लाइट मॉलिक्यूल्स, जो लाइट वेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो उठके ऊपर आते हैं एंड हैवी मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं, इस तरह से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जहाँ ग्रेविटी होगी तभी तो मॉलिक्यूल्स वेट एंड लाइट वेटेड होंगे। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो सभी मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा, 0।
ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे जी पे डिपेंड करता है नेचुरल कन्वेक्शन। क्लियर। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, टू सैटेलाइट्स गिवन है आपको, आपसे कह रहा है इनकी स्पीड हमें फाइंड कर, रेशियो ऑफ स्पीड बतानी है क्या होगी अगर ए वाले की स्पीड 3 है तो। अच्छा बच्चों यहाँ पे रेडियस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऑर्बिटल रेडियस, तो हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम अपॉन आर के करस्पॉन्डिंग होती है, मींस प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो यहां से बच्चों अगर हम देखें वी बी अपॉन वी ए निकालेंगे तो वी बी अपॉन वी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ आर ए अपॉन आर बी। तो यार रख दो इसके अंदर वैल्यू, तो आर ए, ए की स्पीड रेडियस 4r गिवन है और बी वाले के लिए आर गिवन है, तो रेशियो कितना आ गया 2। तो वी बी निकालेंगे तो वी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ वी ए। तो ट्वाइस ऑफ वी ए कर दो तो ट्वाइस ऑफ वी ए करेंगे तो कितना जाएगा 6v। तो यहाँ पे इसकी 3v तो ऐसे ही ट्वाइस कर दो तो 6 आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज एट ओरिजन, यहाँ रखा है बच्चों प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज। तो हमसे पूछा यहाँ पे ए एंड बी पे रेशियो ऑफ पोटेंशियल, मतलब वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वर्क डन, सॉरी वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन इन टैंक चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा ए से बी तक अपन चार्ज को ले आ रहे हैं इस तरह से, इस तरह अपन चार्ज क्यू को ले आ रहे हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी निकालना है, ठीक है, ए टू बी। तो यहाँ पे क्या होता है, मूविंग चार्ज इंटू वी वी माइनस वी है, मूविंग चार्ज इंटू वी माइनस वी ऐसे निकालते हैं वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्यू, अब बच्चों वी बी, बी पे पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज की वजह से, क्या होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितनी है बेटा बी है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे के क्यू अपॉन बी, फिर माइनस इस पे निकालेंगे ए पोटेंशियल तो के क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से के को आउटसाइड ले आओ, बी ए को आप एलसीएम ले लो, ठीक है, तो के क्यू और ये सॉरी क्यू को एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे 1/b - 1/a है, तो इसमें ये बी इंटू ए एलसीएम आ गया तो ए माइनस बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा इसके अंदर, ये फर्स्ट आंसर आएगा, के को रख देंगे 1/4πε₀। ठीक है, चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21, गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड टू एंड पोजिशन एक्सपेरिमेंट फोर्स एफ। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने कहाँ रखा है, एक्सियल पोजिशन पे, एंड ऑन पोजिशन, एक्सियल पोजिशन, फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो बेटा देखो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ से जो ई की वैल्यू होती है 2kp/r³ लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, 1/r³। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस को डबल कर दिया है, तो यहाँ से जो एफ डैश है ये कितना हो जाएगा, एफ अपॉन 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, एफ अपॉन 8 टाइम्स, तो एफ अपॉन 8 टाइम्स के अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सा आंसर आ गया, 4th। ठीक है, तो यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। क्लियर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22, देयर एन कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड टू वी वोल्ट, देन एनर्जी स्टोर्ड इन इक्वल टू। अब जो यहाँ पे सारे कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ऑन ईच सेम होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल। तो यहाँ पे यू नेट इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ यू करेंगे, तो एन टाइम्स ऑफ यू, सभी पे कैपेसिटेंस सी है एंड वोल्टेज वी है, तो हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, एन टाइम्स ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर, तो कौन सा आंसर आ गया, 2nd। ठीक है, चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों। 23 में देखिए यहाँ बच्चों इस तरह से ये सर्किट गिवन है, आपसे पूछा 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। तो जो 2 ओम जो है रेजिस्टेंस, ये एक ओपन लूप बना रहा है, क्लोज लूप में नहीं है, ओपन लूप में हमेशा करंट जीरो होती है। देखिए इसकी करंट यहाँ पे, इसमें सेपरेट करंट फ्लो होगी I1। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक सेपरेट करंट फ्लो होगी I2। ठीक है, और इसमें कितनी करंट होगी, 0, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ओपन लूप में, तो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 ओम में करंट कितनी होगी, 0। ठीक है, 24 अब देखिए क्वेश्चन, एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टन मोमेंट, एट सर्टन मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, व्हाट वैल्यू एक्स। तो आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसलिए एक्सलेशन की जो डायरेक्शन है वो भी, भला एक्सलेशन की वैल्यू है वो भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और जब भी टू वैक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट जीरो करते हैं, तो हमें यहाँ पे जीरो करना है डॉट, मीन्स ए वैक्टर परपेंडिकुलर क्या बेटा, बी वैक्टर। ठीक है, तो उनका डॉट जीरो करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो डॉट करना आपको आता ही है, आई को आई से, जे को जैसे ऐसे करते हैं डॉट। तो यहाँ पे पहले इसको इससे करेंगे 2x बन जाएगा, फिर यहाँ पे 3 को इससे करेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 को इससे करेंगे -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 को x से किया 2x, 3 को 1 से किया 3, फिर यहाँ पे 4 को -1 से किया -4, तो 2x -1 इज इक्वल टू 0 उधर ले आओ 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5।
तो 0.5 से कौन सा आंसर आ रहा है, फर्स्ट, 24 का फर्स्ट, ये बन जाएगा रिजल्ट। ओके चलो अब देखिए 25, देखिए क्वेश्चन में 25 कह रहा है ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल, ठीक है, ऑफ डिप एट प्लस 60 डिग्री, मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं क्या होगी, एंड अपेरेंट डिप एट इंक्लाइनेस्ट एंगल 30 मैग्नीट्यूड मीडियन इज, मतलब क्या कह रहा है देखो समझो, इसमें किसी स्थान में नमन कोण का सही मान, मतलब एग्जैक्ट आपको डिप एंगल 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, और वो जो जो तल है मतलब प्लेन है कितना चुंबकीय आवेश से 30 डिग्री कोण पर है, ठीक है, हमें यहाँ पे इस झुके हुए समतल में नमन कोण का आभासी मान बताना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पे tan थीटा डैश फॉर्मूला होता है, tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos अल्फा, ठीक है, यहाँ पे थीटा डैश तो आभासी नति कोण है, ठीक है, वर्चुअल डिप एंगल, अच्छा थीटा tan एग्जैक्ट डिप एंगल कितना बताया यहाँ पे इसने, ये बताया एक्चुअल डिप एंगल, ठीक है, इज 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, एंड अल्फा, अल्फा मतलब उस प्लेन का जो एंगल है किस तल पर है प्लेन है, किस एंगल पे 30 डिग्री पे, इसको 30 पुट करेंगे, थोड़ा tan 60 वैल्यू होती है रूट 3 एंड cos 60 होता है रूट 3/2, ठीक है, ये कट गया कितना गया 2, तो यहाँ पे थीटा डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा, थीटा डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये बन जाएगा रिजल्ट, क्योंकि 2 पर चला गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकंड, 25 का सेकंड, ऐसे अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 में आपसे कह रहा है इससे प्योर इंडक्टर है, ठीक है, 3.0 इसका यहाँ पे गिवन है आपको हेनरी, ठीक है, इंडक्टेंस गिवन है 3.0 हेनरी, कनेक्टेड एज शोन बिलो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, ये भी एल है बेटा, ये भी एल, तीनों क्या बना रहे हैं आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनका क्या बन रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं एल नेट इज इक्वल टू क्या होता है L/3 हो जाएगा, ठीक है, L/3 करेंगे तो 3/3 कर दो कितना गया 1 हेनरी, ठीक है, तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा इसका, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है इसके अंदर, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन फिगर इज, ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें यहाँ पे हमें इसकी RMS वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा देखो यहाँ पे ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सा वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये वी नॉट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0 है, ठीक है, अब RMS वैल्यू क्या होती है, ठीक है, मतलब वर्ग माध्यमूल वेग क्या होता है, यहाँ पे पहले इसका हम क्या निकालते हैं, वर्ग करते हैं, तो इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर 0 आ गया, क्या कर दिया पहले अपने स्क्वायर मतलब वर्ग कर दिया, किसका निकाले माध्य मतलब मीन फाइंड करेंगे, ये लो इसका मीन फाइंड कर लिया, ठीक है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें, मीन क्या, अब इसका लें रूट, इसका लें रूट, तो हो गया ये रूट, ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, अपने क्या मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना बन रहा है, वी RMS की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ पे वी नॉट अपॉन रूट 2 जाएगा, तो वी नॉट अपॉन रूट 2 क्या जाएगा आंसर 4th, ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो कॉल देखें क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी, तो बेटा लैम्डा इज इक्वल टू आप जानते हैं एच अपॉन पी होता है, और एनर्जी की फॉर्म में इसको लिखे हैं तो पी इज इक्वल टू रूट 2 एम, एनर्जी आपको सेम दे रखी है, तो इसलिए लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है, तो हमसे यहाँ पे रेशियो पूछा प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल के लिए, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा करेंगे तो रूट ऑफ, पहले यहाँ पे प्रोटॉन के लिए मास m रख दें, तो अल्फा पार्टिकल के मास क्या होता है बेटा 4m, 4 times ऑफ m है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे रेशियो 2:1 बन जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आंसर अपन टिक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29, फोटो सेल इज रिसीविंग लाइट फ्रॉम ए सोर्स प्लेस एट डिस्टेंस 1 meter, द सेम सोर्स टू बी प्लेस एट डिस्टेंस 2 meter, देन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब डिस्टेंस आपने डबल कर दी है, तो ये डिस्टेंस डबल करने से क्या होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, कि हम जानते हैं पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है, या कहते हैं फोटो सेल के लिए इंटेंसिटी होती है, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r² के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है, तो नंबर जो है नंबर ऑफ फोटोन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इट इज प्रोपोर्शनल टू आई, एंड आई इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r², ठीक है, तो डिस्टेंस आपने डबल कर दी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डबल करने पे एन डैश क्यू क्या जाएगी n/4 हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस आपने डबल कर दी है, तो आंसर का विल बी इन 1/4 इन नंबर, ठीक है, जो उनकी संख्या है वो 1/4 रह जाएगी, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। चलो अब आगे देखें 29 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट इज, तो जो देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, सपोज ये नेगेटिव एनर्जी बच्चों, ये वैल्यू -E है टोटल एनर्जी, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो इसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, बट पॉजिटिव फॉर्म में होती है, ठीक है,
ई की फॉर्म में, तो इनका जो रेशियो आएगा, रेशियो क्या बनता है, माइनस वन बनता है रेशियो, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो यहाँ पे टोटल एनर्जी के इक्वली होता है, बट साइन नेगेटिव होता है, मतलब सॉरी साइन अपोजिट होते हैं, दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये अपन देखा टोटल एनर्जी नेगेटिव एंड काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। 30 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है पीस ऑफ ए कॉपर एंड अदर जर्मेनियम कूल्ड रूम टेम्परेचर 280 केल्विन, मतलब इसको ठंडा कर रहे हैं। तो एक तो बेटा यहाँ पे कॉपर है, कॉपर तो अपन देखते हैं यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, ये तो क्या है कंडक्टर, कंडक्टर। एंड जर्मेनियम क्या बेटा, ये सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर में टेम्परेचर का जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है, ठीक है। कहां से हम देखें, यहाँ पे जो अगर अपन कंडक्टर की बात करें कॉपर की, ठीक है, कॉपर, ठीक है, मतलब कंडक्टर, इसका अगर अपन टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज, रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे दूसरा क्या है, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम का अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीज वाइल जर्मेनियम इंक्रीज, तो ये फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन 32 में क्या है, आइडेंटिफाई ऑपरेशन परफॉर्म बाय सर्किट गिवन बिलो, ये सर्किट किस तरह बिहेव कर रहा है ये भी देखना है। तो चलो देखो ये एक नॉर गेट है, बट नॉर गेट में इस तरह से हम दोनों को शॉर्ट सर्किट करते हैं इनपुट को, तो ये एक नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, मतलब यहाँ पे ए आ रहा है तो इधर क्या मिलेगा आपको, ए बार, यहाँ से बी आ रहा है तो क्या मिलेगा, बी बार, ठीक है। अब ये वापस नॉर गेट, नॉर गेट का मेन फंक्शन क्या है, दोनों इनकमिंग को पहले ऐड करता है, फिर ऊपर एक लंबी सी बार लगा देता है, तो इन दोनों इनकमिंग को इसने ऐड किया, ये लो ऐड किया, फिर एक लंबी सी बार लगा दी ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें, क्या करते हैं, बार को ब्रेक करते हैं एंड सिंबल चेंज करते हैं, तो यहाँ पे इस बड़ी वाली बार को ब्रेक कर दिया दोनों पे और सिंबल अपने प्लस से डॉट कर दिया है, तो ए डबल बार कैंसिल होके ए बच जाएगा, बी डबल बार कैंसिल होके बी बच गया, तो डबल बार कैंसिल होती है ना आपस में, तो यहाँ पे ए डॉट बी कौन सा गेट है बेटा, ये एंड गेट, ठीक है, सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि टू स्लिट्स इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट, यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन रेशियो 1:25, ठीक है, इनकी विड्थ का रेशियो आपको क्या गिवन है, 1:25, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज, ये हम बताना है। तो चो यहाँ पे जो इंटेंसिटी जो है, मतलब इनका विड्थ का रेशियो गिवन है 1:25, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल फॉर्म में होती है, मीन्स आई इज प्रोपोर्शनल टू दी, मीन्स आई इज प्रोपोर्शनल टू दी विड्थ, ठीक है, आई इज प्रोपोर्शनल टू दी विड्थ होती है। अब यहाँ पे देखिए आई वन अपॉन आई टू की जो वैल्यू है कि कितनी गिवन है आपको, विड्थ के रेशियो के इक्वल, मीन्स 1:25 गिवन है, ठीक है। मीन्स आई वन को अगर अपन 1 ले लें तो आई टू कितना जाएगा 25, ऐसा अपन समझ सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछा है आई मैक्स अपॉन आई मिन, आई मैक्स अपॉन आई मिन ये हमें फाइंड करना है, तो आई मैक्स क्या होता है, रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर, मीन्स रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 25 होल स्क्वायर, ठीक है। एंड आई मिन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आई वन माइनस, मतलब रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 25 होल स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 25 होल स्क्वायर, ये करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लस 1 कितना हो गया, ये 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और नीचे यहाँ पे 5 माइनस 1 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से कैंसिल कर दो उसको, तो 4 से कैंसिल करेंगे 9/4, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट 9/4, ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 34, साउंड वेव ट्रेवल 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए वार्म एयर एंड एट 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू ब्रास, ठीक है, द वेव लेंथ ऑफ दिस वेव एंटर ब्रास फ्रॉम वार्म एयर। अब बच्चों एयर से बच्चों ये जो वेव है ये किस में एंटर कर रही है, ब्रास में, मतलब पीतल में एंटर कर रही है, तो हमें देखना है कि लैम्डा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों जब भी वेव वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर करती है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम रहती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू सेम, मतलब फिक्स रहेगी, कहाँ से लैम्डा उधर ले आए तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, वेलोसिटी, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा करेंगे तो वी डैश अपॉन वी आएगा, तो वी डैश यहाँ पे कितना हो गया है, वेलोसिटी 3500 अंदर जाने के बाद, ठीक है, बाहर कितनी थी वेलोसिटी इसकी, ये थी आपकी 350, तो क्या हो गया बेटा ये 10, ठीक है, तो लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा, मतलब इंक्रीज बाय 10 फैक्टर, तो हम कहते हैं इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखें 35, क्वेश्चन नंबर 35,
आप सब ऑब्जर्व मूव टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, ठीक है, और एंड फ्रीक्वेंसी हियर इज 2n, मतलब यहां पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्म होता है n डैश इक्वल टू n क्या होता है बेटा, v प्लस vo अपॉन v, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है वो कितनी रखी यहां पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड थीटा 2 मींस 32 प्लस v नॉट अपॉन 332, ये अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है जब भी कोई सोर्स है, ठीक है, ऑब्जर्वर, जब भी कोई ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा होता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम ऐसे फाइंड करते हैं, एन डैश आपको कितना गिवन है 2n, उसको 2n रख दो, ठीक है, 32 प्लस v नॉट अपॉन 332, यहां सॉल्व करेंगे, ठीक है, n से n कैंसिल, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 हो जाएगा, तो v नॉट फाइंड करेंगे तो 6 4 में से 332 माइनस कर दो तो v नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 332 ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहां पे आंसर थर्ड ये अपन टिक कर सकते हैं 35 का, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा हूं, टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन थ्री डिफरेंट वेज, ठीक है, शोन इन फिगर। तो आप इसमें क्या कह रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन थ्री केसेस विल बी, इन तीनों केस में फोकल लेंथ रेशियो क्या होगा, देखिए हमने लेंस को कट किया, इसको पहले एक बार ऐसे अरेंज कर दिया, एक बार ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी अरेंज करो, सारे लेंस एक जैसे हैं, एक के बाद एक रखे हमें मतलब कॉन्टेक्ट में, और जब भी लेंस कॉन्टेक्ट में होते हैं तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 की हेल्प लेते हैं, तो सभी का जो नेट फोकल लेंथ है सेम ही आएगी सेम रेशियो में, तो क्योंकि इसके अंदर भी इसके अंदर तीनों में सेम टाइप से अरेंजमेंट है, बस ये कि अपने उल्टा करके रखा हुआ इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, फोकल लेंथ तो वही रहेगी ना इसकी, ठीक है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 में क्या, व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस टू 50% व्हाइल मेक्स 36 रोटेशन, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी लगाएं, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड रोटेशन में थीटा की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो देखो सेकंड इक्वेशन लगाए, यहाँ पे जो होती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2α थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे 50% यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट बाई 2 ये रेडी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2α थीटा, थीटा में कितना गिवन है 36 रोटेशन गिवन है, 36 फॉर्म में लिख दिया अपन ने, ठीक है, तो उसको यहाँ पे माइनस करेंगे, अच्छा यहाँ इस जगह चाहो तो आप इस जगह ये माइनस साइन यूज कर सकते हो, माइनस साइन क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन होगा क्योंकि यहाँ पे इसलिए माइनस साइन अप्लाई कर दिया, तो बेटा इसमें अगर हम इसको चेक करें इसको 2α मतलब 36 इंटू 2 72α इज इक्वल टू इसमें माइनस करेंगे 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये बनेगा ये इक्वेशन वन आ गई, 72α इज इक्वल टू 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, फिर वापस इक्वेशन आए, अब क्या क्या बच्चों, अब इसने वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाई 2 ऑप्टेन कर ली है, अब आगे और डिक्रीज होते होते क्या हो रही है जीरो हो रही है, तो कितने एक्स्ट्रा रिवोल्यूशन और होगा ये निकालना है, तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है जीरो हो रही है, ठीक है, ये ओमेगा नॉट बाई 2 इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, फिर जीरो होना है इसको, फिर आगे माइनस 2α थीटा ये हमें निकालना है, तो यहां से देखिए 2α थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहां से इक्वेशन 1 एंड 2 और डिवाइड करें तो यहां से अपन देखते हैं क्या बन जाएगा रिजल्ट, देखिए 2/1 कर रहे हैं 2/1, तो 2/1 करेंगे तो यहां से ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 थीटा मतलब कितना आएगा 36 थीटा, ठीक है, यहां पे अपन ने क्या किया इक्वेशन 2/1 किया है, ऐसे करते हैं इसको, देखिए इक्वेशन 2/1 कर रहे हैं मतलब थीटा अपॉन 36, ठीक है, थीटा अपॉन 36 इज इक्वल टू क्या यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/3, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 12 कौन सा ऑप्शन है, ये सेकंड, तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड लेंथ एल मास एम इज स्विंग फ्रीली अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासेस थ्रू इट्स एंड, द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, इट्स सेंटर ऑफ मास राइज मैक्सिमम हाइट ऑफ, तो आपको देखो क्या कह रहा है, देखिए इस तो एक रॉड है, ठीक है, इस ये रॉड है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक गेन कर रही है हमें चेक करना है, आपको इसकी स्पीड आपको गिवन है ओमेगा, यहाँ पे इसकी स्पीड ओमेगा है, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई जीरो हो गई, ओमेगा डैश जीरो, ठीक है, तो बट यहाँ पे देखो इस तरह से रॉड अपने इस एंड के अबाउट यहाँ पे ऑक्सीलेशन कर रही है, इस तरह से
तो यहाँ पे इस पॉइंट तक जा रही है सेंटर ऑफ मास, इसका ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो कि यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसने सेंटर ऑफ मास ने हाइट कितनी गेन करी ये अपन देखें, यहाँ से बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया भी था, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वजह से अपन देख रहे हैं ये जो हाइट गेन करेगा, यहाँ पे देखो क्या बताया इसने, हाइट हमें बतानी है एच, इसने एच हाइट गेन करी, हाइट एच गेन हो रही है बाय सेंटर ऑफ मास, तो इसमें अप्लाई करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब जो ऊपर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, ठीक है, के ई लॉस इज इक्वल टू क्या करें बच्चों, पी गेन, के ई लॉस इक्वल टू पी गेन, के ई में कितना लॉस हो रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो इसलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये तो लॉस हो गया। पोटेंशियल एनर्जी गेन कितनी है, एमजीएच, ठीक है, एमजीएच। अब यहाँ पे हाफ आई, आई को कितना रखते हैं, आई बच्चों रॉड है, रॉड अपने वन एंड के अबाउट रोटेशन कर रही है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एमजीएच, वैसे एम से एम कट जाएगा, हमें क्या निकालना है एच, तो एच इज इक्वल टू ऊपर तो आ गया एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा सिक्स जी, तो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सिक्स जी, कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ, ये आ जाएगा इसका आंसर फोर्थ, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सिक्स जी, ऐसे अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज आई, कीपिंग एम कॉन्स्टेंट, ग्राफ रिप्रेजेंट आई वर्सेस आर। तो बच्चों स्फीयर के लिए आप जानते हैं आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो मास यहाँ पे फिक्स बोला गया है, तो आई इक्वल टू क्या जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, तो ग्राफ यह आ जाएगा इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ, आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, नहीं यानी यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर फोर्थ, यह आ जाएगा इसका आंसर फोर्थ आएगा, आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर में फोर्थ आंसर बनेगा इसका, ठीक है, तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन 40, इन ए कैपिलरी ट्यूब वाटराइज बाय 1.2 mm, ठीक है, एंड अनदर कैपिलरी ट्यूब हाफ रेडियस, रेडियस हाफ गिवन है, तो बच्चों अपन हाइट कंपोन जानते रिलेशन एच इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r, जूरिंस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेडियस आपने हाफ कर दी है तो एच डैश क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2h, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर 2.4 mm, तो रेडियस हाफ करेंगे एच डबल हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 में इस तरह से टू स्ट्रिंग्स हैं, दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स क्या बना रही हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन निकालना है, तो इसका बेटा के नेट क्या हो जाएगा, के नेट इज इक्वल टू ये हो गया के प्लस 2k, बिकॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा 3k, ठीक है, 3k हो गया। अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/2π रूट ऑफ के नेट अपॉन एम, के नेट अपॉन एम, तो के नेट को रख दो 3k रख देंगे, तो कौन सा आंसर आ गया, ये आ गया आंसर थर्ड, 1/2π√3k/m, क्लियर। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्या है 42 बच्चों, हीट फ्लोइंग थ्रू अ रॉड लेंथ 50 सेंटीमीटर एरिया दिस एंड दिस, हमें क्या निकालना है इसमें, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट किसे बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर है लेंथ के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, तो बच्चों डेल्टा टी, टेम्परेचर के बारे में इन्फॉर्मेशन देखिए, डेल्टा टी कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करिए, यह जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड लेंथ हमें कितनी रखी बेटा, यहाँ पे लेंथ, लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप देखोगे क्या रिजल्ट, 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, तो कौन सा है 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, फर्स्ट, यस का आंसर आएगा फर्स्ट, ऐसे कर सकते हैं। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है बच्चों, पॉइंट मास इज प्लेस इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, द डिस्टेंस एट डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम सेंटर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय शेल ऑन दिस पॉइंट मास, तो जो शेल के अंदर सब जगह हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो उसमें कहीं भी आप मास को रख लो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, जीरो, क्योंकि इसमें कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है ड्यू टू शेल, ठीक है, इस कोर्स की वजह से अंदर सब जगह गुरुत्वीय क्षेत्र जीरो है, इसलिए पार्टिकल एम पे बल कितना लगेगा, जीरो लगेगा, तो क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, चार्ज की इज प्लेस एट ईच अपोजिट कॉर्नर, मतलब इस तरह से क्या देखें, इस तरह से ये टू कॉर्नर हैं, यहाँ बच्चों इस तरह पर रख दिया, यहाँ पे क्यू यहाँ रखा हुआ है और एक क्यू यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और बच्चों अ चार्ज की इज प्लेस एट अदर कॉर्नर, यहाँ पे क्यू पार्टिकल्स यहाँ रखें, क्यू पार्टिकल्स, ठीक है,
अब कह रहा है इफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, इस पर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो हमें क्यू अपॉन क्यू फाइंड करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे ये वाला जो क्यू है, यहाँ से ये डिस्टेंस, जैसे ये लेंथ बेटा एल एल है, ये लेंथ एल है, तो ये लेंथ क्या जाएगी, ये लेंथ रूट टू एल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका रिपल्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ, ठीक है, और ये दोनों इसको चलो एफ डैश बोल लेते हैं, ये क्यू और क्यू, हमें यहाँ पे इसका एफ डैश का रिजल्ट जीरो करना है, तो दोनों क्यू ऐसे होने चाहिए, तो इस क्यू पार्टिकल को अगर हम तरफ अट्रैक्ट करें तभी एफ डैश के अपोजिट फोर्स एक्ट होगा। अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों की पोलैरिटी कैसी हो, अपोजिट। तो रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो या तो फर्स्ट आएगा आंसर या सेकेंड या फिर फोर्थ आएगा नेगेटिव, पक्की बात है। चलो अब देखें ये क्यू बच्चों इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है एफ से, ये क्यू इधर अट्रैक्ट कर रहा है एफ से, तो यहाँ पे इसका जो इधर रिजल्टेंट बनेगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या जाएगा, रूट टू एफ। तो हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल करने हैं, तो रूट टू एफ को हमें इक्वल करना है एफ डैश के, तो रूट टू एफ, एफ क्या बेटा इसका अट्रैक्शन फोर्स है, तो के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस एल स्क्वायर, डिस्टेंस एल है, एफ डैश क्या बेटा इसका रिपल्शन फोर्स है, इसके लिए लगा दें के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी यहां से तक की, रूट टू एल, इसका स्क्वायर करोगे तो टू एल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन देखें तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, देखो के से के काट दो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट दो, एक क्यू से एक क्यू काट दो, ठीक है, तो यहाँ पे टू रूट टू क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू टू रूट टू हो जाएगा, क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू टू रूट टू, ठीक है। और आप बताया कि यहाँ पे पॉलिटी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन टिक करेंगे, फर्स्ट ये आंसर रहेगा इसका, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आपको नेट कैपेसिटेंस बतानी है। तो जो C1 C2 आपको जो है 10 एंड 5, तो दोनों क्या बना रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 5 मींस 15, तो ये हो गया। और जो C3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, C3 गिवन है 4, ठीक है, C3 आपको 4 गिवन है। अब दोनों क्या बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, 15 एंड 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन, C नेट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई अपॉन सम कर देंगे, 15 इंटू 4 अपॉन 15 प्लस 4, कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिसमें नेट कैपेसिटेंस होती है गुणा बटा योग के बराबर, मींस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 60 अपॉन 19, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, मतलब सेकंड आंसर रहेगा इसका, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 46, ये सोचो यहाँ पे आपको ये लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है 80 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है आपको इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, तो आप जानते हो पोटेंशियल, ये कौन सा मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में जो रेशो इनका होता है, रेजिस्टेंस रेशो, वही इस लेंथ का रेशो होता है, मींस आर अपॉन 80 ओम, आर अपॉन 80 ओम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर अपॉन 80 सेंटीमीटर, ठीक है, रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ पे 20 से 80 से 80 कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इस ओम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इज इक्वल टू जाएगा 20 ओम, ठीक है, मतलब थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है आपसे, इसमें अरेंजमेंट थ्री पैरल करंट कंडक्टिंग वायर्स आपको गिवन है इस तरह से, ठीक है, इनमें बच्चों करंट फ्लो हो रही है, इस तरह से आउटवर्ड है, इसके अंदर भी आउटवर्ड है, इसमें भी आउटवर्ड है, तीन लॉन्ग पैरल वायर है, इस तरह करंट फ्लो हो रही है, हाँ बेटो इस पे पर सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे इसमें और इसमें करंट सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या लगेगा अट्रैक्शन, तो ये वाला वायर इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ एफ फोर्स है, ऐसे इन दोनों में डायरेक्शन सेम है, तो ये वायर इधर भी अट्रैक्ट होगा एफ से। अब देखिए दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हैं, तो इस तरफ जो एफ नेट आएगा, एफ नेट, ठीक है, एफ नेट क्या बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग रूट टू एफ आएगा, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होती है, पढ़ते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक के अंदर, मी नॉट आई वन आई टू मीन मी नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2πd, ठीक है, 2πd ये होता है, मी नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2πd, तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, रूट टू टाइम्स, मतलब यह आ जाएगा आंसर, इसके अंदर ये आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, रूट टू मी नॉट आई स्क्वायर, नहीं नहीं थर्ड नहीं है, इसके अंदर कौन सा, इसके अंदर यहाँ पे अपॉन में करना रूट टू से रूट टू बढ़ जाएगा, नीचे गएगा रूट टू आएगा नीचे, तो आंसर आएगा फोर्थ, मतलब 1/√2 फॉर्म में ये आ जाएगा फोर्थ आंसर, मी नॉट आई स्क्वायर अपॉन √2πd, ठीक है, ऐसा अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखें फिर 48 में क्या देखिए, उसमें द मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, और आपके क्या फाइंड करना है, इंड्यूस चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, इंड्यूस चार्ज की फाइंड करनी है, मतलब वायर से कितना चार्ज फ्लो होगा, प्रवाहित आवेश ये निकालना है हमें, तो dq = अपन जानते हैं जो इंड्यूस चार्ज की होती है डेल्टा फाई अपॉन r की इक्वल होती है डेल्टा फाई अपॉन रेजिस्टेंस r, तो इसको लिखते हैं फाई टू माइनस फाई वन अपॉन r। अब जो फाई इज इक्वल टू का था b into a, तो उसको b into a रख देंगे,
तो ए तो कॉमन निकाल लो, तो बी टू माइनस बी वन इंटू ए अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, बी टू माइनस बी वन, तो चो देखिए टी इज इक्वल टू टू रखोगे यहाँ पे तो बी टू आ जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो बी वन आ जाएगा। तो पहले टी इज इक्वल टू रखें इसमें, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा फोर प्लस, यहाँ रखेंगे फोर स्क्वायर, ठीक है नहीं टू स्क्वायर, टू स्क्वायर फोर, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, ये हो गया सिक्सटीन। फिर माइनस, अब यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो जाएगा, जीरो प्लस जीरो, ठीक है ये रख दिया अपन ने। और फिर एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में गिवन है, अपॉन आर, तो क्या आ गया ट्वेंटी पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, तो कौन सा आंसर आएगा सेकंड, ट्वेंटी पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 49, पावर डिलीवर्ड बाय अ सोर्स ऑफ सर्किट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन, तो चलो हम जानते हैं किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर पावर मैक्सिमम कब डिलीवर होती है, रेजोनेंस के टाइम पे, क्योंकि इस समय करंट मैक्सिमम होती है इसलिए पावर भी मैक्सिमम डिलीवर होती है। रेजोनेंस कब होता है बेटा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी मींस ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, सेकंड आंसर, ओके। 49 का 50 क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या बच्चों, रेडियो एक्टिव मटेरियल ए है डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा एंड बी इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा गिवन है, इनिशियली हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब दोनों के एन नॉट सेम दे रखे हैं, ठीक है। व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मटेरियल ए दैट विल बी बी इज 1/E, मतलब देखो एन ए अपॉन एन बी, अपन देखें एन ए अपॉन एन बी, एन क्यों क्या होती है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, तो एन ए इज इक्वल टू जाएगा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा इसका दे रखा 8 माइनस 8 लैम्डा इनटू टी, ठीक है। अब जो हम बी के लिख देंगे एन नॉट, तो सेम ही एन नॉट दोनों सेम ही है, माइनस ऑफ लैम्डा टी, ठीक है। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, एन ए अपॉन एन बी आपको 1 अपॉन ई गिवन है, येलो स्क्वायर दिया मैंने 1 अपॉन ई, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ई पावर माइनस 8 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी, ठीक है। इसको ऊपर ले गए ई पावर माइनस 1 हो गया, और ये हो गया ई पावर माइनस 7 लैम्डा टी, ठीक है। दोनों कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू आ गया 7 लैम्डा टी, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 लैम्डा, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर का सेकंड, तो इस अपन ने सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन 50 तक, ठीक है बच्चों। देखिए अब आपसे दोबारा कह रहा हूँ, अब लास्ट का थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, मुश्किल से 6-7-8 दिन बचे हुए हैं, आप इनमें बहुत बढ़िया जितना परफॉर्म कर सकते करें, ठीक है। कभी होपलेस होने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप ये समझ लीजिए जितना आपको आता है एग्जाम में उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप ये सोच के चलेंगे तो वाकई बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कहीं आपके कोई मार्क्स कम नहीं आएंगे और डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे एक अच्छी रैंक के साथ, ठीक है। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं दोबारा, ओके बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज 11वें दंगल में अपन इनऑर्गेनिक के पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक के पेपर का और फिजिकल के पेपर का डिस्कशन आपके साथ नदीम सर और ऑफिसर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉन पोलर, नॉन पोलर नाइट्रोजन ऑक्साइड देखना है तो आपका इसका आंसर रहेगा N2O4। कैसे रहेगा इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा, डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट हो, डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट हो, यह सारी बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस की वजह से इक्वल रहेंगे। तो यहां पर यह बॉन्ड आपका कैसा रहेगा, आपको पूछ रहा है यहां पे नॉन पोलर, तो इसके लिए मीन्स गस टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो आपका आंसर रह जाएगा 4th। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन डाइमर ऑफ, यहाँ पे देखा जाए डाइमर के अंदर बैक बॉन्डिंग देखनी है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी वो डाइमर में नहीं होती, आपकी बैक बॉन्डिंग तो होती है लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में होती है, पी पाई बैक बॉन्ड, क्लियर। वैसे यहाँ पे भी होगी तो वो एक ही बॉन्ड में होगी, यहाँ पर होती नहीं है, आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर अपन देखा जाए तो बेरिलियम, ये बेरिलियम, क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये बैक डोनेशन कर लेता है, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है बेरिलियम का, और क्लोरीन ये बैक डोनेशन कर लेता है, तो बैक डोनेशन किस में होगा, डाइमर के टेम BeCl2 में। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिड इन विच सल्फर एटम प्रेजेंट इन, तो आपका इसमें प्रेजेंट होगा टेट्राथायोनिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, एच डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एस एस एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच,
क्लियर, तो ये आपकी एटॉमिक सल्फर है। नेक्स्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस 3 moles ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट 1 mole इज ट्राइटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसके अंदर आप सिल्वर नाइट्रेट डालो तो 3 mole खर्च होंगे भाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रोमियम H2O6 NO3 प्लस 3 AgCl। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये 3 mole AgCl यहां बन रहा है। क्लियर, नेक्स्ट। यहां पे मेटल कार्बोनाइल दे रखा है MCOX, एक्स आपको चाहिए और इसके लिए EAN बता रहा है कितना, 36। तो EAN का फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेज प्लस 2 × नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप आ जाइए, ये तो बता ही दिया 36 है, ये 26 है। मेटल कार्बोनाइल में ऑक्सीडेशन स्टेज 0 होती है, प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो कि आपका क्या है, x है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x इज गस टू 36 माइनस 26 इज गस टू 10, देन x इज गस टू 5। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर इन फॉलोइंग। आपको पता है सल्फेट की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर कम होती है, सेकेंड ए में बेरिलियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट हो गया और आपका बेरियम सल्फेट हो गया। इधर जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज होती है जबकि हाइड्रेशन एनर्जी रैपिडली डिक्रीज हो जाती है, और आपको पता है सॉल्युबिलिटी तब तक है जब तक हाइड्रेशन एनर्जी से लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो नीचे ये एकदम से कम हो रही है, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम होने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सिर्फ ये दो हैं जिनके लिए हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तो ये दो ही सॉल्युबल होते हैं, इनमें आपकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो ये इनसॉल्युबल है। आपका सिक्वेंस कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ गया। फ्लोराइडों की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पर क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है, तो ये भी सही है। फिर आपको कह रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइडों की सॉल्युबिलिटी भी नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, तो मैग्नीशियम ज्यादा, कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा, स्ट्रॉन्शियम, तो मतलब आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा। इनको हटा दीजिए, आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, सारे ही सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की आइडेंटिकल वैल्यू, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, तो इसमें आपका सिग्मा 1s टू सिग्मा 2s टू सिग्मा 2s स्टार टू पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz 1 2 2। यहाँ पे 9 - 4 हो गए डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस कर लूँगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। इसका निकालें, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब, 15 और 2+ है ना, तो जैसे 15 से ज़्यादा होंगे, 14 से ज़्यादा होंगे, सिग्मा 2pz पहले भरा जाएगा, तो ये कितने हो गए, 2 π 2px π 2py 2 2 π 2px * π 2py * 14 तो हो गए, ये 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब बॉन्डिंग के कितने हो चुके हैं, 10, तो 10 एंटी बॉन्डिंग के 5 हो गए डिवाइड बाई 2, वही 2.5 आ जाएगा, तो इसका भी 2.5 आ गया, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी,
तो ये आपके पोलियटोमिक एनायन है, पोलियटोमिक एनायन के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। तो बेरियम कार्बोड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम, आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एलिगम डायग्राम, एलिगम डायग्राम गिव्स एनर्जी चेंजेस और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ होता है, तो आपका आ जाएगा चेंज ऑफ विथ डेल्टा जी विथ टेम्परेचर। नेक्स्ट सी एल ओ थ्री मिक्स एनहाइड्राइड है, ये प्लस सिक्स में होता है, जब इसका ये आपका करवाओगे तो एच सी एल ओ थ्री प्लस एच सी एल ओ फोर बनेगा, डिसप्रोपियोनेशन होगा, प्लस सेवन और प्लस फाइव, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन, द ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन प्रोसेस, इनमें क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ए कंपाउंड एक्स बोरोन रिएक्ट विद NH3 ऑन हीटिंग गिव्स अनदर कंपाउंड वाई विच इज ए कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन देखो ये आपका आ गया B3H3N3H6, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, ये तो वाई हो गया, क्लियर। The compound X can be prepared by treating of BF3 lithium, आपको पता है BF3 plus aluminium hydride, lithium aluminium hydride, LiAlH4, इनकी रिएक्शन होती है तो आपका बनता है B2H6, तो X हो गया आपका B2H6 और ये अमोनिया से रिएक्शन करके ये बनाता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केमेनोपोर सॉल्यूशन इज एडेड टू ऑक्सैलिक एसिड, सॉल्यूशन द डीक्लोराइजेशन इज स्लो इन द बिगनिंग, देखो ये आप याद रखो केमेनोपोर मतलब कि MnO4 माइनस, प्लस सेवन में ऑक्सैलिक एसिड मतलब C2O4-2 ऑक्सिलेटाइन, इससे रिएक्शन करता है तो ये प्लस थ्री से इसको भेज देता है CO2+4 में और खुद चला जाता है मैग्नीज +2 में, ये डीकलराइज हो गया, क्लियर। और रिएक्शन फास्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, तो पहले ये रिएक्शन दे रही होती है लेकिन फिर यही इस रिएक्शन को इंड्यूस करेगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीज +2 रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट बनता है जो ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड द प्रिंसिपल, बिल्कुल इसका सीधा सीधा प्रिंसिपल है कि इंप्योरिटी होती है ना वो सॉलिड की बजाय मोल्टन फॉर्म में ज्यादा सोल्यूबल होती है, तो आपका आ जाएगा इंप्योरिटी आर मोर सोल्यूबल, ये रहा मोल्टन मेटल देन सॉलिड मेटल, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका फिजिकल का हो गया, सर ने डिस्कस कर लिया होगा। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग पीरियडिक प्रॉपर्टीज, पहला कह रहा है आयनिक रेडी होती है वो क्लोराइड की ज्यादा है हाइड्राइड से, तो आयनिक रेडी हाइड्राइड की ज्यादा होती है क्लोराइड से, पहली बात तो ये गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है मेटल्स की, वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली चलती है, तो इधर चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी यूं जाने पर, लिथियम से लार्ज सोडियम है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से लार्ज रूबिडियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो ये भी गया। फिर जेड इफेक्ट ग्रुप में सेम बना रहता है, ये भी गया। हाइड्रेशन एनर्जी, बिल्कुल जो छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, या जिस पर चार्ज ज्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, तो Fe+2 से चार्ज ज्यादा है Fe+4 पे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी है, और Fe+2 से Fe+3 की भी ज्यादा होगी, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आर नॉट अलाउड, पहले यहां देखिए प्लस का प्लस के साथ और प्लस का माइनस के भी साथ हो रहा है, एक अट्रैक्शन के साथ हो रहा है एक रिपल्सन से, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, इस प्रकार की ओवरलैपिंग भी नहीं हो सकती, पी या तो फेस टू फेस ओवरलैपिंग करेंगे या साइड टू साइड, ये भी नहीं हो सकते।
प्लस प्लस बिल्कुल ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ये यहाँ ओवरलैपिंग न्यूक्लियस के साथ दिखा रहा है, ये देखो आराम से, ये ओवरलैपिंग किसके साथ दिखा रहा है, न्यूक्लियस, अगर ये यहाँ ओवरलैपिंग देता तो हो जाती एंटीबॉन्डिंग टाइप की, लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग दिखा रहा है जो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग प्लस का प्लस के साथ माइनस का माइनस के साथ ओवरलैपिंग दिखा रहा है, तो ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल पी क्यू और आर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। और शायद क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अपने। तो ये था अपने इनऑर्गेनिक के पेपर का सॉल्यूशन, कंप्लीट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, आई होप सबको पेपर अच्छा गया होगा और सबका अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल ही गया, बस आप बने रहिए, कल अपने मिलेंगे नेक्स्ट 12वें दंगल के साथ, ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, मैं ओम प्रकाश संत फ्रॉम टीम सीएलसी। तो आज अपन बच्चों डिस्कस करेंगे दंगल 11 out of 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, इन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी आपको दे रखा है 10^-15, द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज नियरली। तो देखो 0.1 m क्या दे रखा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, और यहां से आपको क्या मिलेगा, OH- आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी, तो जितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है उतनी OH- आयन की 0.1 m, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और उसके लिए अल्फा कितना होगा 100% होगा, तो जितना OH- आपको NaOH से मिलेगा वो 100% आपको मिल चुका है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके लिए अल्फा है वो 100% नहीं होगा, तो ये किस में आयनाइज होगा, NH4+ OH-, ठीक है, ये वीक एसिड है और वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या यूज करेंगे अपन, KB, तो KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH4+ आयन की कंसंट्रेशन, OH- आयन की कंसंट्रेशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो KB कितना दे रखा है, इस क्वेश्चन में KB दे रखा है आपको 10^-5 इज इक्वल टू अमोनियम प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.1, तो OH- आयन की 0.1 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, तो 0.1 m से 0.1 m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और अमोनियम प्लस आयन की कंसंट्रेशन वही होगी जिस जो KB का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शन से होगा, 67 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 ये सॉल्यूशन से है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 mole A जिसका प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है 150 टोर एंड 2 mole ऑफ बी जिसका पीनोट भी दे रखा है 240 टोर इज 200 टोर दे रखा है, पी टोटल आपको कितना दे रखा है 200 टोर दे रखा है, ठीक है। अब राउल्स के द्वारा जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर वो अपन कैलकुलेट करते हैं, तो पी राउल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए एक्स ए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है प्लस पी नोड बी एक्स बी, ठीक है, और पी नोड ए कितना दे रखा है यहाँ पे 150 और एक्स ए कितना आएगा, घटक ए के मोल अपॉन टोटल मोल 1+2 कितना हो जाएगा 3+240 इंटू कंपोनेंट 2 के मोल अपॉन टोटल मोल, इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 50 और ये कितना आएगा 80, तो 80 इंटू 2 कितना हो गया 160 प्लस 50 कितना हो जाएगा 210 टोर। तो राउल्स के द्वारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है टोटल प्रेशर से, तो पी टोटल से ज्यादा है राउल्ट के द्वारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, तो कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, इट मीन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा रूट ऑफ एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2π, और 2s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0, l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू 0 पुट करोगे आप तो इसका ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा 0 आएगा, इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 70 इन ड्यूमा मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.35 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 55 ml ऑफ
नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन एंड 715 mm प्रेशर। एक्वस टेंशन दे रखा वाटर का कितना 15 mm ऑफ Hg। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको ड्यूमा मेथड से कैलकुलेट करना है। तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, तो जो टोटल प्रेशर है 715 में से आप क्या करोगे 15 माइनस कर दोगे, तो 700 क्या आ जाएगा mm आ जाएगा। इसको एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो 700 अपॉन 760 ये प्रेशर आ गया। वॉल्यूम क्या है 55 ml, तो 55 ml को आप किस में कन्वर्ट करोगे लीटर में, तो 0.055 ठीक है। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है 0.35। तो ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू pv अपॉन rt इनटू 28 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या होगा इनटू 100 ठीक है। तो देखो प्रेशर, देखो प्रेशर कितना है 700 अपॉन 760, वॉल्यूम कितना है 0.055, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कितना होगा 0.35 इनटू 100। यहां से आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा 16.45%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, द ग्राफ बिटवीन log x upon m एंड log p इज फॉलोइंग, यानी log x upon m log p के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री से है और फ्रेंडलीज इक्वेशन क्या होती है, x upon m इज इक्वल टू के p की पावर 1 upon n ठीक है। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड log लेना पड़ेगा। तो मैं log लूंगा log x upon m इज इक्वल टू log k 1 upon n, कहां पे आ जाएगा आगे आ जाएगा 1 upon n log p। अब इसको मैं इससे मैच करवाता हूं तो y बराबर क्या हो जाएगा c प्लस mx और स्लोप m किसके इक्वल हो जाएगा 1 upon n के इक्वल हो जाएगा और स्लोप tan 45 कितना हो गया, tan 45 हो गया 1। तो 1 upon n की वैल्यू क्या आएगी 1 और इंटरसेप्ट क्या है log 10 base 2 और यहां पे इंटरसेप्ट आया log k इज इक्वल टू log 2। तो k की वैल्यू यहां से क्या आएगी अपने पास 2 आएगी, k की वैल्यू 2 आ गई और 1 upon n की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। आपसे क्या पूछा है, 2 atm प्रेशर पे x upon m की वैल्यू पूछी है। तो x upon m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, k की वैल्यू यहां से आप क्या कैलकुलेट की है 2, k p की वैल्यू कितने 2 atm और 1 upon n की पावर कितनी है 1, तो 2 into 2 कितना हो गया 4। तो x upon m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 atm हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ए क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ए बी एंड सी। एक क्रिस्टल है जो तीन पार्टिकल से मिलकर बना है, ए फॉर्म एफसीसी, ए कहां पे है एफसीसी में, बी ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ ए, बी कहां पे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है और सी कहां पे है टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, सी ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ ए। इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव देन द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल, यानी बॉडी डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, दो तो कॉर्नर्स के एलिमेंट बॉडी डायगोनल पे क्या रहेंगे प्रेजेंट, दो कॉर्नर्स के एलिमेंट रहेंगे, एक क्या रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट रहता है और दो टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक बॉडी डायगोनल को हटाओगे तो ये सब चीजें क्या होंगी रिमूव होंगी। तो ए एटम्स कहां पे है एफसीसी यानी कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे, तो 1/8 इनटू 6 प्लस 1/2 इनटू 6, तो देखो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 15/4, a कितना आएगा 15/4 और b की बात करूं तो b कहां पे प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 4 जिसमें से एक चला गया तो कितना रहेंगे 3 और c कहां पे है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 8 होते हैं जिसमें दो टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल के साथ रिमूव होगी तो कितने होगी 6 रह गए। तो फॉर्मूला क्या होगा a 15/4 b 3 और c 6, इसको आप सोल्व करोगे तो a 15
बी 12 है और सी 24, 3 से डिवाइड कर दो तो ए 5 बी 4 और सी 8, ए 5 बी 4 सी 8, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 73 For the coagulation of ferric hydroxide salt, the correct order of coagulating power can be given as. सबसे पहले तो जितने भी हाइड्रोक्साइड सोल होते हैं वो कौन से सोल होते हैं? पॉजिटिव चार्ज सोल होते हैं। ये कौन से होंगे? पॉजिटिव सोल होंगे। और इनको कोगुलेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन इसमें क्या करना पड़ेगा? मिक्स करना पड़ेगा। और जिसका जितना ज्यादा वैलेंसी होती है उसको वो उतना ही आसानी से इस सोल को क्या करेगा? कोगुलेट करेगा। तो इसको कोगुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और किसकी वैलेंसी ज्यादा है? देखो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड में देखो फॉस्फेट -3 है, इसमें -2 है, इसमें -1 है, तो कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस KI विल लिबरेट मोल ऑफ I2। तो K2Cr2O7 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करेगा। तो KI से ये किस में ऑक्सीडाइज करेगा? I2 के अंदर, और खुद रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम +3 में। बाकी रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। यहां से अपने को N फैक्टर चाहिए, तो यहाँ पे Cr +6 में, +6 में किस, +6 से किस में जाएगा? +3 में। तो एक क्रोमियम के लिए नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। लेकिन आपको पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये आई माइनस से किस में जाएगा? I2 में। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका 6 है, इसका 2 है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट कर लो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मोल इनटू N फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर, और यहां भी क्या हो जाएगा? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो इसका K2Cr2O7 का मोल कितना दे रखा है? 1 मोल दे रखा है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 6 मोल इनटू, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना दे रखा है? KI का 2, तो मोल कितना हो जाएंगे? 6/2 मोल इक्वल टू 3, तो I2 के मोल कितने आएंगे? 3 मोल आएंगे। इट मीन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है और इनका ये रिलेशन दे रखा है, द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3 क्या है? तो सबसे पहले इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रिएक्टेंट के आगे साइन और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, DNS3/DT, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 इक्वल टू माइनस का DN2/DT, रिएक्टेंट के आगे साइन नेगेटिव लेकिन N2 क्या है? पॉजिटिव, इक्वल टू +1/3 DH2/DT। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लिख सकते हो K1NS3, तो 1/2 K1NS3, और ये क्या हो जाएगा? DN2/DT की जगह आप क्या पुट करोगे? K2NS3, ये आ जाएगा K2NS3, और यहां पे क्या आएगा? 1/3 K3NH3। तो देखो NH3 और NH3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो मैं क्या लिखूंगा? K1/2 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3/3, और इसको अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? 1.5 K1 इक्वल टू 3 K2 इक्वल टू K3, ये रेशियो आ जाएगा। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन PV डायग्राम, द नेट ब्रेकडाउन ड्यूरिंग द साइकिल इज इक्वल टू, तो इसका ब्रेकडाउन आप कैसे निकालोगे? ब्रेकडाउन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व है, एरिया
अंडर द कर्व है और वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। बस आप इसका एरिया निकाल लो, तो एरिया कितना होगा इसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना है 3v1 माइनस का v1 इंटू क्या हो जाएगा 6p1 माइनस का p1, तो 1/2 इंटू 2v1 इंटू 5p1, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। लेकिन वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस 5p1v1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट मींस कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न्ड टू फॉर्म SO2 विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Cl2 वाटर, दिस सॉल्यूशन इज टाइट्रेट विथ BaCl2 द अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रिसिपिटेड। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, सल्फर को आप बर्न करोगे तो क्या बनेगी, SO2, और SO2 को आप Cl2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, SO2 को Cl2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, H2SO4 प्लस 2HCl, और इस H2SO4 का आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, BaCl2 के साथ, तो BaSO4 का क्या बनेगा, प्रिसिपिटेड बनेगा, इसकी PPT बनेगी, ठीक है। तो जितने सल्फर के मोल होंगे उतने SO2 के मोल होंगे, और जितने SO2 के मोल होंगे उतने H2SO4 के मोल होंगे, और उतने किसके होंगे, बेरियम सल्फेट के मोल होंगे। तो मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मोल ऑफ BaSO4। POACC भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो मोल ऑफ सल्फर कितना है, 8 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास कितना, 32 इक्वल टू मोल ऑफ BaSO4, तो ये कितना आएगा, 1/4, और 1/4 को क्या लिखोगे, 0.25 मोल ऑफ BaSO4, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज ग्रेटर देन यूनिट एट STP, देन क्या होगा। तो देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू क्या होता है, PV/nRT, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है Z की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 1, तो इसको मैं V/n को क्या लिख सकता हूं, मैं मोलर वॉल्यूम लिख सकता हूं Vm बार, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, PVm/rT, Z की वैल्यू, R की वैल्यू क्या, आप क्या पुट करोगे, PVm/r की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा, 1 atm, तो 1 × Vm/r, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 लीटर आएगा। तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा कब हो सकती है, जब ये वैल्यू ज्यादा हो, यानी मोलर वॉल्यूम क्या हो, 22.4 से ज्यादा हो, तभी Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, यानी कि मोलर वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर से ज्यादा होगी, तभी Z की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, डायोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन टर्म ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, और रेडबर्ग कांस्टेंट RH इक्वल टू आप लिख सकते हो 10970 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 13.6/hc, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की आप निकाल रहे हो, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो ये 13.6 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं RH into HC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6, तो ये रिलेशन हो गया
RHHC, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये रिएक्शन दे रखी है आपको जिसके लिए डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है 2.1 किलो कैलोरी और एंट्रोपी में चेंज दे रखा 20 कैलोरी पर केल्विन एट 300 केल्विन देन डेल्टा जी, यानी आपको गिब्स एनर्जी में चेंज निकालना है। तो वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस का टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा एच आपको निकालना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी, और डेल्टा यू आपको दे रखा है 2.1 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो ये कितना है 2, आर की वैल्यू कैलोरी में आप 2 पुट करोगे और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन और नीचे किससे डिवाइड करोगे आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो कितना होएगा 12/10 कितना हो गया 1.2, तो 2.1 प्लस 1.2 तो ये कितना आएगा 3.3 किलो कैलोरी, 1000 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये किलो कैलोरी में और ये भी क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने के बाद में किलो कैलोरी में हो जाएगा। तो अब आप डेल्टा जी निकाल सकते हो, डेल्टा एच कितना है 3.3 माइनस का टी, टी कितना 300 केल्विन और डेल्टा एस कितना है 20। अब ये कैलोरी में है और ये किस में आएगा आपके पास किलो कैलोरी, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3.3 माइनस का 6 तो ये माइनस का 2.7 किलो कैलोरी आएगा। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 93, ए करंट ऑफ 0.193 एम्पियर इज पास थ्रू 100 ml ऑफ 0.2 NaCl सॉल्यूशन फॉर एन हावर्स, यानी कि एक हावर्स के लिए पास किया गया है। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इफ करंट एफिशिएंसी इज 90%, अज्यूम नो वॉल्यूम इज चेंज, यानी कि ये कोई NaCl का सॉल्यूशन ले रखा है इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड और दूसरा एनोड, ये एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है कैथोड है, कैथोड क्या होगा नेगेटिव और एनोड क्या होगा इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन दोनों को बैटरी से अटैच कर दिया गया है और इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, Na प्लस आयन होगा उसमें, Cl माइनस आयन होगा, H प्लस आयन होगा और OH माइनस आयन होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास करोगे तो ये चार्ज अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा Cl2 क्लोरीन गैस और कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, ये भी चला गया और ये भी यहाँ पे चला गया, तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस आपको क्या मिलेगा इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मेरी बात आई समझे। अब देखो आप इनिशियल मोल निकालो, आप इनिशियल कितने मोल है इसके अंदर, इनिशियल 100 ml ऑफ 0.2 NaCl इनिशियल मोल होगी 0.2 इंटू 100 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया 0.02 m, ये इनिशियल मोल होगी। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस मोल लिखाओ निकालो आप, तो तो सबसे पहले आप लिखोगे ग्राम क्लिंट फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ग्राम क्लिंट ऑफ NaCl, तो करंट कितनी देरी की आई टी इंटू 96500 और जो करंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी 90%, तो मैं निकालूं इसको तो ये कितना आएगा करंट कितनी देर की है 0.193, टाइम कितना देर का 1 आवर्स दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर्स में सेकंड कितने होंगे 3600 अपॉन 96500 और इसका कितना परसेंट निकालोगे आप 90% निकालो तो 90/100। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 0.00
6.48 mol. ये आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इसका एन फैक्टर वन होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो मोल इनटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर वन है तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मोल के इक्वल हो जाएगा। ये मोल आ गया आपके पास, तो रिमेनिंग मोल कितने रहे, तो रिमेनिंग मोल क्या रहेंगे, रिमेन मोल इज इक्वल टू इनिशियल मोल 0.02 माइनस 0.00648 इन को सोल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगी 0.01352 मोल। ये आपके पास रिमेनिंग मोल रह जाएंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर ये आपके पास रिमेनिंग मोल रह जाएंगे। अब कंसंट्रेशन निकालो आप, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा जिसके मोल आपके पास कितने आएंगे 0.01352, वॉल्यूम कितना है 100 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो ये कितना आएगा 0.1352। तो अब अपने को इसकी पीएच निकालनी है, तो सबसे पहले OH- आयन की कंसंट्रेशन यही है जितनी NaOH आयन की है, तो POH कितनी आएगी, POH इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का log 10 बेस 0.1352, तो ये ऑलमोस्ट जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.86, तो pH कितनी आएगी 14 माइनस का POH, तो 14 माइनस का 0.86, तो ये अराउंड हो जाएगी 13 के अराउंड आ जाएगी, कितनी आएगी 12.84 के अराउंड आ जाएगी, सॉरी 13 पॉइंट कितनी आएगी, ये आएगी 13.14, ठीक है। यानी आपको कहने का मतलब जो आपको ऑप्शंस दे रखे उससे भी आप बता सकते हो कि जो एक्वा सॉल्यूशन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच क्या होती है 12 से लेके 14 तक होती है, तो इट मींस पीएच अपने पास कितनी आ रही है 13.14 आ रही है। तो इसमें कौन सा नियरेस्ट है, नियरेस्ट इसके कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे लॉग के अंदर तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। The integrated rate equation is KT is equal to ln C0 minus ka ln CT. The straight line graph is obtained by plotting. तो देखो ये equation है, ये first law of thermodynamics की है. तो KT is equal to क्या होता है? दे रखा है ln C0 initial concentration minus ka ln CT. तो इसको आप इधर लेके आओ तो ln CT is equal to क्या हो जाएगा? Minus ka KT plus ka ln C0. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, लॉग सी टी अपॉन टाइम के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका स्ट्रेट लाइन आएगा और कौन सा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखो आप, फाइंड द वॉल्यूम परसेंट ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम इन PCl5 अंडर ए टोटल प्रेशर देर का 1.5 atm, Kp देर का 0.202। तो इसका आप डिसोसिएशन करो, PCl5 बराबर PCl3 प्लस Cl2, T बराबर 0 टाइम पे इसके मोल कितने 100, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स एक्स और एक्स, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसका पार्शियल प्रेशर निकालो तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी इंटू टोटल प्रेशर, ये एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, और ये भी x अपॉन 1 प्लस x इंटू टोटल प्रेशर, तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, PCl3 का पार्शियल प्रेशर इंटू Cl2 का पार्शियल प्रेशर अपॉन PCl5 का पार्शियल प्रेशर।
तो ये जब सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू पी आएगा। केपी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.202 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू प्रेशर कितना दे रखा है 1.5 atm। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0.34 आएगी। अब आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम परसेंट पूछा है सी एल टू का, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा सी एल टू का, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू 100, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100। तो ये कितना है 0.34 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 25.6% आएगा। ठीक है, इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो पेपर काफी कॉन्सेप्चुअल था, उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छा होगा। थैंक यू सो मच JCLC। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दंगल 11, जिसमें मैं आपको डील करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। जैसा दिया है नेम ऑफ द कंपाउंड गिवेन बिलो। देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लेते हैं, यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यही आएगा। अब आप लोवेस्ट लोकेंट लगाओगे तो इधर ही से लोवेस्ट लोकेंट लगेगा, 3, 4 पे आ रहा है। तो देखो 4 पर क्या आ रहा है, इथाइल, और 3 पर क्या आ रहा है, मिथाइल। ऐसा कहाँ पे है, फर्स्ट आंसर हो गया सीधे। बाकी 8 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है तो ऑक्टेन हो गया। यस, तो आंसर फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म। तो देखो इसमें मल्टीपल बॉन्ड से अपने से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर अल्फा पर या गामा पर कहीं पर sp3 कार्बन विद हाइड्रोजन नहीं है। गामा पर sp3 कार्बन विद हाइड्रोजन, इसमें देख लो यहाँ sp2 है, सब sp2 है, सब sp2 है। यहाँ पर sp3 तो है, बट यहाँ अल्फा H क्या है, 0। यहाँ अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा sp3 तो है, बट गामा पर अल्फा H क्या है, 0। इस पर देखो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, इधर से भी अल्फा मिल जाएगा, अल्फा H है यहाँ पे, अल्फा H यहाँ पर है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है R, इसमें बताना है इसमें रिलेशन क्या है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप एस्टर ही है, यहां भी एस्टर ही है, ठीक है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उस फंक्शनल ग्रुप के इधर इधर का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए या लिंक डिफरेंट होना चाहिए, तो वो मेटामर्स हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ O से जुड़ा है, अब ये O से क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो लिंक डिफरेंट हो गया। बाकी फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, या तो अगल बगल दोनों साइड से स्ट्रक्चर अलग हो, किसी एक साइड से, दोनों साइड से, या लिंक अलग होना चाहिए, तो क्या होता है आपस में वो क्या हो जाते हैं, मेटामर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो हमारे में है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। तो ईथर बनाने के लिए फॉर विलियमसन सिंथेसिस हमें क्या करना चाहिए, तो विलियमसन सिंथेसिस से हम इसको कर सकते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस का कंडीशन क्या है, अल्काइल हैलाइड
मस्ट बी स्मॉल। एल्काइल हैलाइड छोटा होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड देखो छोटा यहां पर है, यहां बहुत बड़ा है। ये वाला ये क्या है, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, SN2 रिएक्शन होती है ना। तो SN2 रिएक्शन देखो ये एराइल हैलाइड देते ही नहीं है, एराइल हैलाइड देता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो यहां से ये गया, ये बड़ा है, ये गया, ये भी बड़ा है, ये गया, तो ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आप जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे मान लो C2H5OH है, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये सॉल्ट बना देता है C2H5OHSO4-plus, और अगर ये आस पास आ गया 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो ईथर बना देता है C2H5OC2H5, एनसीईआरटी में है। ग्रेटर देन 140 पे अगर आप चलाओगे तो एल्कीन बना देगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब आप मिला सकते हो केल्विन में, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है एनसीईआरटी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे एच प्लस है, यहाँ लोन पेयर है, तो एसिड बेस रिएक्शन पहले स्टार्ट हुआ और ये क्या बन जाएगा, ओ एच टू पॉजिटिव। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से यहाँ क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। अब आप जानते हो रीअरेंजमेंट हो सकता है, 1-2-ME shift करा दो। देखो ये मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, शिफ्ट करा दिया तो देखो कुछ कार्बोकेटायन अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे यार ओके, कार्बोकेटायन कुछ अच्छा मिल गया। देखो यहां से पहले ये कितना था 2 डिग्री, अब कितना हो गया 3 डिग्री बोल सकते हैं ऐसे। तो पहले से स्टेबल कार्बोकेटायन मिल गया, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से हमारा क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट, यहां बीआर आ जाए। अब ऐसा कहां पर है, ये वाला सेकेंड आंसर हमारा बन जाए। नेक्स्ट, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, अभी किया था ना, कोई एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन अगर है, जैसे H प्लस हीट डाल दिया तो वही हो जाएगा, यहां से R O H2 पॉजिटिव ये निकलेगा और जो बनेगा वो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बन रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। देखो अगर ये निकलेगा तो यहां पॉजिटिव आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है चलो रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहां देखो इस पर पॉजिटिव आएगा अनस्टेबल, यहां पर ये निकला तो इस पर पॉजिटिव आएगा अनस्टेबल, विनाइल एराइल कार्बोकेटायन। यहां पर ये निकलेगा तो देखो लीनियर कंजुगेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, लीनियर कंजुगेशन। देखो ये इधर गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ऐसे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यस, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड एच आई एच प्लस, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओ है इधर है सी एच थ्री, ये 18 है। अब आप देखो ये तो इधर तो रेजोनेंस में है, इधर तो रेजोनेंस में, मतलब यहां क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इधर से ब्रेक करना तो टफ है, तो एच जो प्लस और आई माइनस बनेगा वो यहां पे आएगा, तो इधर से बन जाएगा हमारा ओ एच, ये 18 हो प्लस, ऐसा हमारा कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाई, सोडियम बाई सल्फाइड से देखो एल्डिहाइड्स देते हैं,
एल्डिहाइड्स नॉट ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं देता बिकॉज दे एग्जिस्ट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल फॉर्म में होते हैं, और एंड मिथाइलेटेड मिथाइलेटेड कीटोन्स बट नॉट बाई नॉट बाई एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन और ग्लू फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी नहीं देता, फ्रक्टोज भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो कीटोन तो देगा वो मिथाइलेटेड होना चाहिए बट एसिटोफिनोन फिर भी नहीं देता बिकॉज ऑफ बल्की नेचर, एल्डिहाइड्स देते हैं बट ग्लूकोज नहीं देगा बिकॉज इट इज दिस इन, तो देखो ये मिथाइलेटेड कीटोन है, एसिटोफिनोन तो नहीं है, ये देगा ये देगा। अब देखो ये कीटोन इथाइलेटेड हो गया ना, तो ये नहीं देगा, तो आंसर हमारा कौन सा चला जाएगा, थर्ड आंसर कौन सा चला जाएगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाते हैं, यस व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, कंसंट्रेटेड एनएओएच डाला, इसके पास अल्फा एच कितना है, जीरो, तो ये कौन सा देगा, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, इसी का ऑक्सीडेशन होगा इसी का रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल, बट यहाँ पर क्या है, बेस है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअल में एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके साल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसी का सोडियम कार्बोक्सिलेट और इसी का अल्कोहल, देखो कहाँ पर है ये आ जाएगा, इसी का अल्कोहल और इसी का सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो आप जानते हो इट इज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, टॉलविन रिएक्ट विद क्लोरमाइल क्लोराइड, तो आप जानते हो ये कौन सा रिएक्शन है, ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन ना, टॉलविन कराते ना, टॉलविन पर CrO2Cl2 जब डालते हैं तो पहले तो एक बनता है कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है कॉम्प्लेक्स, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तब ये क्या देता है, बेंजल्डिहाइड, तो वो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है, ये वाला बनता है CHOCrOSCl2 का ट्वाइस, तो ये याद रखना है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी में ऐसे ही बना पड़ा है और एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे ना, तो ध्यान रहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3MgBr एक्सेस में डाल दिया है एस्टर पे, तो CH3CH2C double bond O OCH3, तो इसमें आप CH3MgBr एक्सेस में है, ये नेगेटिव इधर गया, इसका अटैक हो जाएगा, तो इसको मैं देखो ET लिख देता हूँ, ET, तो ET CO नेगेटिव OME फॉर मिथाइल, यहाँ पे आ गया ME, ये वापस आ सकता है क्योंकि ये लीव कर सकता है यहाँ से ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ET डबल बॉन्ड OME, अभी कार्बोनिल बचा एक्सेस में डाला है तो फर्दर रिएक्शन हो सकता है, MeMgBr वापस रिएक्शन करा दो यहां से, तो ये बन जाएगा ETO नेगेटिव MeMe, हाइड्रोलाइज करोगे यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो ETCOH MeMe, तो एक इथाइल चाहिए और दो मिथाइल चाहिए हमें ना, एक इथाइल और दो मिथाइल, देखो यहां पर है एक इथाइल और दो मिथाइल, सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सेक्शन ए में इतना ऑर्गेनिक था, अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या है, बाकी ऑर्गेनिक था इनऑर्गेनिक और फिजिकल दूसरे सर करवाएंगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन 86 में
रिएक्शन आपको करा कर दे दिया। तो देखो इसमें पहले क्या हुआ होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे पीएच 4 to 5 होता है, माइल्ड पीएच, ये जाता है पहले ऐसे, तो ये बनता है ओ एच पॉजिटिव। अब हमारे पास एन एन एच ओ एच है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये गया इधर, ये क्या हो गया, और देखो यहां पे पॉजिटिव आएगा तो एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दे रहा हूं, एन यहां से आपको ये ओ एच इस साइड चला गया, तो ये बन गया ओ एच। अब आप जानते हो फर्दर माइनस ऑफ एच टू होगा, ये इधर एच प्लस, ये निकल जाएगा यहां से, माइनस ऑफ एच टू, तो ये बन जाता है अपना डबल बॉन्ड एन ओ एच। कुल मिलाकर यहां तो क्या हुआ है, एडिशन, और यहां से क्या हुआ है, एलिमिनेशन। तो इसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोफिलिक, देखो न्यूक्लियोफाइल ने टेक, तो एग्जांपल किसका हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ओके नेक्स्ट, इस पर देखो HBr का रिएक्शन कराया, OCH3 HBr पॉजिटिव नेगेटिव, तो वापस से आप देख लो ऐसे ही टाइप का है, यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो यहां से तो ब्रेक नहीं होगा, यहां से ब्रेक होगा, यहां नेगेटिव, यहां क्या आएगा पॉजिटिव, ऐड कर दो, OH हो गया, और यहां पे आ जाएगा CH3Br। ऐसा कहां पर है, OH के साथ CH3Br, फोर्थ आंसर हमारा चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव प्राइमरी, देखो जी साइनाइड MeC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या देगा, MeCOOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साइनेट का तो बन जाता है, साइनेट का देखो ये बनता है आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट, यस गैप उसमें बनता है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, तो इसको ब्रेक करोगे यहां से, तो ये क्या देगा CH3NH2 प्लस, तो साइनेट तो प्राइमरी एमीन दे सकता है, ये देखो साइनाइड, ये तो गड़बड़ हो गया, तो यहां से ये नहीं दे रहा है, यहां से ये नहीं दे रहा। अब देखो NC CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको भी हाइड्रोलाइज करोगे देगा ये CH3NH2, तो देखो ये NC और साइनेट यही देंगे जो हाइड्रोलिसिस पर क्या देंगे, प्राइमरी अमीन, आइसोसाइनाइड भी देगा और आइसोसाइनाइड भी देगा। विच आर द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो तो एडिशन रिएक्शन से होता है, नियोप्रीन एडिशन रिएक्शन, PHBB, तो PHBB क्या होता है, 3-hydroxybutanoic acid प्लस 3-hydroxypentanoic acid, पेंटेनोइक एसिड, और जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एस्टर लिंकेज बनाते हैं, एस्टर लिंकेज बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर, और आप जानते हो ये क्या है, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, तो PHBB आंसर चला जाए।
इन्वर्ट शुगर ये त्यादि सभी को इक्विनोर मिक्सचर क्या होता है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। ओके, तो ये सारा हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन था जो हमने डील कर दिया। बाकी जो है वो सर आपको आएंगे, दूसरे वाले सर वो बताएंगे आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से पेपर बनाया गया था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से रिएक्शन उठाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, टीम जूलॉजी। आज हम दंगल 11 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें जूलॉजी में क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक का सॉल्यूशन हम करेंगे। उम्मीद है आप सभी का ये पेपर अच्छा रहा होगा और इससे भी और ज़्यादा बेस्ट बेटर आपको नीट के पेपर में 12 तारीख को करके आना है। और इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। रीड द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पेडिग्री चार्ट को देखकर करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पेडिग्री चार्ट में सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरह की ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है, दैट इज रिसेसिव ट्रेट। क्योंकि आप देख रहे हो ये फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें सारे अनइफेक्टेड है, उसके बाद भी सेकेंड जनरेशन में कुछ प्रोजेनी है वो इफेक्टेड आ रही है और कुछ अनइफेक्टेड है। इट मीन्स ट्रेट जो है वो इसमें कैसी है, रिसेसिव ट्रेट है। तो ये रिसेसिव ट्रेट है, इसी कारण जो है वो इसमें इनके पेरेंट्स अनइफेक्टेड होने के बाद भी नेक्स्ट जनरेशन है वो इफेक्टेड आ रही है। क्लियर यहाँ तक? क्या पॉसिबल हो सकता है, रिसेसिव ट्रेट है इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो इफेक्टेड आ रहे हैं वो किस कंडीशन में पॉसिबल है, ये अगर रिसेसिव फॉर्म में होंगे दोनों तभी ये कंडीशन आएगी। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें ऐसा क्या जीनोटाइप फादर और मदर का होना चाहिए जिससे ये इस टाइप के रिसेसिव ट्रेट आ जाए, क्या पॉसिबल है? अगर इसमें ए ए लेके देखें, जैसे मान लो इसमें कैपिटल ए ले, इसको स्मॉल ए ले, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे क्या आ जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएंगे। इस कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहे हैं तो क्या होगा, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहा है इसका मतलब जो है वो इसमें क्या होगा, वो अनइफेक्टेड होगा। तो इनके अंदर जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है, यहाँ अगर इसमें लें आप कैपिटल ए स्मॉल ए और इसको लें कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या आ जाएगा इसमें, ये एक जनरेशन है वो ये जैसे ये आ गई, ये कैसी होगी, ये कैपिटल ए और ये इनके अंदर जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए वाली हो सकती है। तो इस टाइप की जो प्रोजेनी है वो इनके अंदर कैसी रहेगी, अनइफेक्टेड रहेगी, और इस टाइप की जो प्रोजेनी आएगी वो इसमें इफेक्टेड आएगी। क्लियर यहाँ तक? रिसेसिव दोनों में आ रहे हैं तो वो इफेक्टेड आएगी। तो क्या आना चाहिए इसमें, करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों ही पेरेंट्स जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये वो इफेक्टेड नहीं होंगे। क्लियर? तो ये इसमें करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा थर्ड। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 102, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जाम्पल। इनमें से कौन सी सेक्स को करेक्टली जो है वो डिटरमाइन कर रही हैं, करेक्टली सेक्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो इनमें आप देखें, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन द मेल सेक्स इन ग्रास ऑपर। करेक्ट है, ये इनके अंदर इंसेक्ट के अंदर ध्यान आपको XXX0 मेथड होता है। XXX0 मेथड में जो है वो क्या होता है इनमें, कि फीमेल जो होती है वो कैसी होती है इनमें, होमोजाइगस। इनके अंदर फीमेल होमोजाइगस और मेल जो होता है वो इसमें हेट्रोजाइगस होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये होता है कि मेल में एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो लेस देन फीमेल। क्लियर? तो मेल के अंदर जो एक सेक्स क्रोमोजोम है वो इसमें एबसेंट है, एबसेंट अगर होता है तो वो मेल है, और अगर ये आता है दोनों होमोजाइगस कंडीशन में एक्स क्रोमोजोम है तो वो फीमेल है। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड, एक्स जीरो कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। ये एक्स जीरो जो है वो उसके एबनॉर्मेलिटी को शो कर रहा है, टर्नर सिंड्रोम को शो कर रहा है, ना कि उसके
सेक्स डिटर्मिनेशन को, ये एक अबनॉर्मल केसेस उसके अंदर तो ये नहीं होगा। होमोलोगस सेक्स क्रोमोजोम प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, क्या होना चाहिए, ये इनके अंदर जो है वो मेल ड्रोसोफिला के लिए अगर ये कंडीशन आ रही है तो क्या है, ये मेल की बजाय फीमेल होंगी। ड्रोसोफिला जो होता है उसमें ह्यूमन की तरह होता है, एक्स 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 वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई होता है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोजोम जेड जेड डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड जेड होमोजाइगस कंडीशन बर्ड्स में मेल को, रेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो उसमें फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो इसमें जो है वो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 103, ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेटिस एज वेल एज इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन एसर्टेड दैट द पर्सन विद बिलोंग टू होट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव, ये आपको ध्यान है भाई, आपको हेल्थ की डेफिनेशन में ही जो है वो स्टार्टिंग में ही हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, द पर्सन हु हैव ब्लैक बाइल, तो जिसके अंदर ब्लैक बाइल होते हैं वो पर्सन हॉट पर्सनैलिटी के होंगे और उसमें फीवर होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 104, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट दे रखा है, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक पैसिव इम्यूनिटी, इसका जो रिजेक्शन है वो किसके कारण होता है, टी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है, रिजेक्शन टी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है जो अपने आप में एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। क्लियर? तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, तो ये इनके अंदर जो है वो किस टाइप की होती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो ये इनके अंदर ये क्या दे रखा है, ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक पैसिव इम्यूनिटी, विशिष्ट निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ही नहीं, कौन सी इम्यूनिटी होती है, ये इनके अंदर जो है वो सॉरी ये स्पेसिफिक पैसिव इम्यूनिटी बता रहा है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो ध्यान है क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जिनके अंदर बाहर से कोई एंटीजन इंजेक्ट करवा के करवाया जाता हो तो वो एक्टिव इम्यूनिटी, और प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती हो तो पैसिव इम्यूनिटी, तो ये अपने आप में द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक पैसिव इम्यूनिटी, तो ये गलत है क्योंकि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर किसके कारण होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण होती है, समझ में आ गई ना, तो कौन सी इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी। नेक्स्ट दे रखा है इफेक्टर टी सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये करेक्ट है, इफेक्टर टी लिम्फोसाइट्स है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आप देखें एस सी आई डी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, एस सी आई डी इम्यूनो डेफिशियंसी डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। इम्यूनो डेफिशियंसी का मतलब इम्यूनिटी का वीक हो जाना, तो ये इम्यूनिटी के वीक होने से होती है, ना कि जो है वो इम्यूनिटी के सेल्फ नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करने की पावर के खत्म होने से। तो क्या है ये इनके अंदर जो है वो क्या है, एस सी आई डी एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है। रूमेटोइड अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय आईजीजी एंटीबॉडी, ये आईजीएम एंटीबॉडी के कारण होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब करेक्ट जो है वो इसमें कौन सा हो गया, बी जो है वो इसमें करेक्ट हो गया, तो ओनली बी जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 105, दिस ग्राफ इंडिकेट विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये ग्राफ है जिसमें टू पीक्स जो है वो इसमें बन रहे हैं, टू पीक बन रहे हैं, इट मींस जो ग्राफ है वो कैसा है, डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन है। क्लियर? उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें 106, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, इसमें से इनकरेक्टली जो मैच है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना, आपको इनकरेक्टली मैच जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करने में सबसे पहला आप देखें डिजीज टाइफाइड पैथोजन साल्मोनेला, यहाँ तक सही है। उसके बाद सिम्टम फ्लूड फिल्ड एल्वेलाई, ये इसमें रॉन्ग हो गया, क्या होता है टाइफाइड के अंदर फ्लूड फिल्ड एल्वेलाई नहीं होती, इंटेस्टिनल परफोरेशन होते हैं, ये किसका सिम्टम है, ये न्यूमोनिया का सिम्टम जो है वो होता है जिसके अंदर फ्लूड फिल्ड एल्वेलाई होती है, तो ये न्यूमोनिया का सिम्टम दे दिया इसलिए इनकरेक्ट हो गया।
बाकी सारों में जो है वो ये करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 107, 107 है चूज रॉन्ग अबाउट द गिवन डायग्राम। इसमें डायग्राम में रॉन्ग जो है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला दे रखा है इज मीडिएटर ऑफ ह्यूमन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का नाम ही दूसरा क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है। तो ये करेक्ट है, तो इज मीडिएटर ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी करेक्ट। टी सेल्स themselves do not secrete but help B cells produce them। ये क्या करती हैं, ये डायग्राम ध्यान है ना आपका, किसका है, एंटीबॉडी का डायग्राम है ये। और एंटीबॉडी के लिए जो है वो आपको क्या बताना है, रॉन्ग बताना है, इनकरेक्ट जो है वो इसमें से क्या है वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला सही है इज मीडिएटर ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मीडिएटर भी है। टी सेल्स themselves do not secrete but help बी सेल प्रोड्यूस them। टी सेल खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती है लेकिन बी सेल की एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड दे रखा है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट। आयनिक बॉन्ड इसके अंदर नहीं होंगे, कौन से बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ी होती है चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ इनकी जगह जो है वो कौन से बॉन्ड होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। क्लियर। उसके बाद आप देखें फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये भी करेक्ट है, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 108, गिवन सोन प्लांट डजंट गिव, इस दिए गए प्लांट में से कौन सी चीज जो है वो अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज ऑब्टेन नहीं होती, मॉर्फिन मैरिजुआना जो है वो इसमें नहीं होगी, मॉर्फिन स्मैक हेरोइन ये सब इससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इनका एसिटिलेशन हो तो इनको स्मैक हेरोइन वगैरह जो है वो इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कौन सी नहीं होती, मैरिजुआना। तो मैरिजुआना हैशीश चरस गांजा ये सारे जो है वो किससे होते हैं, कैनाबिस सैटिवा से। ये कौन सा दे रखा है, ये जो है वो दे रखा है इसमें पेपेवर सोमनीफेरम, ये अफीम का प्लांट है, पोपी प्लांट या पेपेवर सोमनीफेरम है। तो ये पोपी प्लांट या पेपेवर सोमनीफेरम है, इस पेपेवर सोमनीफेरम से या पोपी प्लांट से मैरी जो है ना जो है वो उसको छोड़कर बाकी सारे ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, मैरी जो है ना। क्लियर। नेक्स्ट 109 है इन विच लेयर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल नर्व्स ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट। तो ये इनके अंदर जो है वो चीजें कौन सी लेयर में होती है, एलिमेंट्री कैनाल में, ध्यान होगा आपको आउटर लेयर सीरोसा, फिर नेक्स्ट लेयर जो है वो इसमें मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर कौन सी, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर, और उसके बाद जो है ये लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर, और उसके बाद ये जो है वो सर्कुलर मसल लेयर होती है, और उसके बाद ये सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा के बाद जो है वो ये लेयर है वो म्यूकोसा होगी, जिसके अंदर ऐसे विलाई और गैस्ट्रिक रूगे ये प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ इस सब म्यूकोसा के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स नर्व फाइबर ये इसके सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो कौन सी लेयर होती है, ये सब म्यूकोसा। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सब म्यूकोसा लेयर, थर्ड आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब म्यूकोसा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 110, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। लंग्स की वाइटल कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी वी सी इज इक्वल टू टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी, ये सब मिलके जो है वो क्या बना रही है, वाइटल कैपेसिटी। तो ये इसके अंदर क्या हो गई, वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, टी एल सी, अगर इसमें आर वी को और ऐड कर दें, टी एल सी क्या होगी, टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी, तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर और शामिल कर दें तो क्या हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर। अब पूछा गया व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, फर्स्ट दे रखा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें साथ में क्या होना चाहिए, टीवी और होना चाहिए था, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल कैपेसिटी।
तो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल कैपेसिटी, इट मीन्स ये वाइटल कैपेसिटी होती है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी है, इसका मतलब टीएलसी माइनस आरवी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, तो ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या दे रखा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 111, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड्स एंड क्लोराइड आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय, स्मॉल अमाउंट ग्लूकोज एमिनो एसिड क्लोराइड आयन का स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब किया जाता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, और वो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो है वो क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 112, द नंबर ऑफ वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स इन ह्यूमन आर, वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स जो है वो कौन सी होती है, वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स का मतलब होता है कि जो रिब्स पीछे डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो और आगे डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होकर, ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होकर पहले आपस में किसी जो है वो कार्टिलेज के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है और उसके बाद जाके जो है वो एक रिब्स के साथ ही डायरेक्ट जुड़ रही है। समझ में आ गई? पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही है लेकिन आगे स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़कर इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती है और वो किसके थ्रू, सेवेंथ पेयर जो रिब्स का होता है उसके थ्रू। तो कौन कौन सी होती है, एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, तो ये थ्री पेयर होती हैं एट्थ नाइन्थ टेंथ, जिनको अपने फाल्स रिब्स भी कहेंगे। तो ये कितनी पेयर है, थ्री रिब्स जो है वो उसमें वर्टिब्रोकोंडल और फाल्स रिब्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रू रिब्स, फाल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, तो थ्री पेयर होंगी, करेक्ट आंसर सेकेंड। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 113, 113 में एज द एक्सक्रीटरी फंक्शन इज कॉलम फर्स्ट विद द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉलम सेकेंड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम अमंग द आंसर्स गिवन, इसमें फंक्शंस के साथ जो है वो इनके आंसर की मैचिंग करवानी है। तो इसमें आंसर की मैचिंग करवाओगे तो फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेल्पीजियन कॉर्पस्किल्स। डी कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कंसेंट्रेट कौन करता है, तो यूरिन का कंसेंट्रेशन जो होता है वो लूप ऑफ हेनले इसमें होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, यूरेटर, और स्टोरेज ऑफ यूरिन ये कौन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैचिंग आप कराओगे तो क्या आना चाहिए, डी, डी के बाद ए, फिर बी सी, डी ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आ तक? तो डी ए बी सी करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो गया। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 114 है, व्हेन अ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली ऑल द फॉलोइंग अकर्स विद वन एक्सेप्शन, विच इज द एक्सेप्शन, ये कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्केलेटल मसल है वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होता है, इनमें एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, तो एक्टिन की मायोसिन के ऊपर स्लाइडिंग हो जाती है। तो इनमें फर्स्ट दे रखा है, ये देखा है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर, सब कुछ होगा विद वन एक्सेप्शन, एक चीज को छोड़कर, विच इज द एक्सेप्शन, फर्स्ट द एच जोन डिसअपीयर, एच जोन डिसअपीयर बता रहा है, ये इसमें नहीं हो रहा है। उसके बाद द जेड लाइन्स मूव क्लोजर टूगेदर, ये सही है, जेड लाइन जो है वो एक दूसरे के क्लोज आएंगी, सार्कोमियर छोटा होगा। द आई बैंड गेट रिड्यूस, ये भी सही है, आई बैंड भी रिड्यूस होगा। द ए बैंड रिटेन द लेंथ, ए बैंड अपनी उसी लेंथ में मेंटेन रहेगा, तो ये भी सही है। तो कौन सा जो है ये नहीं होगा, बाकी ये सब पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर जो है वो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसमें नेक्स्ट 115, द जॉइंट वेयर साइनोवियल फ्लूड
and synovial capsule and synovial fluid are lacking edge. कौन सा joint है जिसमें synovial fluid या synovial joint जो है वो नहीं होता, clear? तो इनमें आप देखें, पहला है ये इनमें between carpals and metacarpals synovial joint होता है. Pubic symphysis in female इसमें नहीं होता. Finger and thumb in male इसमें होता है. Between atlas and axis इसमें भी synovial fluid होता है, क्योंकि सारे के सारे जो है वो कौन से joint है, ये synovial joint के example है सारे. एक pubic symphysis जो female में वो synovial joint नहीं है, clear यहाँ तक? ये female के अंदर जो है वो pubic symphysis, sorry male female में जो pubic symphysis जो बन रही है, it means क्या ये जो pelvic girdle की जो junction होता है दोनों के बीच की joint जो है वो pubic symphysis है. वो pubic symphysis है उसमें क्या होता है, कौन सा joint होता है, cartilaginous joint होगा. यहाँ pubic symphysis में जो joint होगा वो cartilaginous joint होता है. इसका मतलब ये synovial joint नहीं है. तो answer correct क्या जाना चाहिए इसमें, second answer correct हो जाएगा, clear? उसके बाद next है 116. Read the following paragraph and fill the blanks in 1938 a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth which was thought to be extinct. These animals called evolved into the fish. तो ये इन animals को क्या कहा, लोबेफिन कहा, और ये evolved into the fish amphibia. तो उसके बाद जो है वो ये फिश किसमें इवोल्व हो गई, एम्फीबिया में इवोल्व हो गई, क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, फोर्थ आंसर करेक्ट आ जाएगा. 1938 में इसको पकड़ा गया था साउथ अफ्रीका से, क्या नाम था, लोबेफिन सिलोकेंथ, और उनको लोबेफिन कहा गया, जो किसको क्या माना जाता है, उनको आज की जो एम्फीबिया है उनके एंसेस्टर्स मानते हैं, क्लियर यहाँ तक? तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 117. एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स एक्ट ऑन द एंड हेल्प्स रेगुलेट लेवल ऑफ बॉडी. तो ये इनके अंदर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है पेनक्रियाज, ब्लड शुगर पेनक्रियाज पे काम नहीं करता, किस पे काम करता है, किडनी पे काम करता है. और किडनी के अंदर आपको ध्यान है एंटी डायूरेटिक या ADH हॉर्मोन जो है वो क्या करवाता है, ये फिल्ट्रेट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. तो फिल्ट्रेट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, इट मीन्स वाटर के लेवल को मेंटेन कर रहा है, क्लियर यहां तक? तो क्या आना चाहिए इसमें, करेक्ट आंसर जो है वो इसके लिए सेकंड आ जाएगा, किडनी पर एक्ट करता है जो ब्लड वाटर के लेवल को जो मेंटेन करता है, क्लियर? तो इसमें सेकंड ऑप्शन. उसके बाद 118. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन पार्ट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल. डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में काम करने वाले जो है वो एंडोक्राइन पार्ट है, वो कौन कौन से हैं, एक तो होता है एड्रिनल मेडुला, इनके अंदर दो एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट है, एक तो एड्रिनल मेडुला और दूसरा जो है वो इसमें कौन सा होता है, एड्रिनल मेडुला के अलावा जो है वो एक पार्स नर्वोसा, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स नर्वोसा. ये दोनों जो है कौन कौन से, एड्रिनल मेडुला एंड पार्स नर्वोसा, ये दोनों डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में काम करते हैं. तो पहले ऑप्शन में आप देखें पार्स नर्वोसा एंड पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस नहीं करती इसमें, समझ गए? दूसरे में आप देखें एड्रिनल मीजोडर्मल पार्ट एंड पार्स नर्वोसा करता है, लेकिन एड्रिनल मीजोडर्मल पार्ट नहीं है. मीजोडर्मल पार्ट कौन सा है, कोर्टेक्स है. मीजोडर्मल पार्ट का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कोर्टेक्स की, तो कोर्टेक्स नहीं होता. पीनियल ग्लैंड इसका मतलब ये भी नहीं होगा, पीनियल ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड ये भी नहीं होती. एड्रिनल एक्टोडर्मल पार्ट एंड पार्स नर्वोसा, ये एड्रिनल एक्टोडर्मल पार्ट है वो था एड्रिनल मेडुला, और पार्स नर्वोसा ये दोनों ही डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में काम करेंगे. तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्लियर यहां तक? तो ये इसमें करेक्ट आंसर फोर्थ. इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है 119. एंड आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर. सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने में जो है वो किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम जो है वो ये दोनों मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं. तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या आना चाहिए, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक लोब.
ये थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 120 में मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनिमल सोन इन द फिगर बिलो। इसमें जो एनिमल्स दिए गए हैं उनके अंदर से आपको क्या छांटना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट आप देखें बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली, ध्यान है ना क्या है, लीवर फ्लूक है, ये लीवर फ्लूक या क्या कह देंगे इसको, फेशियोला हिपेटिका। तो ये लीवर फ्लूक या फेशियोला हिपेटिका है। बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैट अनसेगमेंटेड एंड लीफ लाइक, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये भी करेक्ट है, इनमें फ्लेम सेल या सोलेनोसाइटी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस, ये इनकरेक्ट है, बॉडी सरफेस के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वो टीनिया सोलियम या टेपवर्म करता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। समझ आएगी, टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है, लेकिन फेशियोला हिपेटिका में या लीवर फ्लूक में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है जो ओरल सकर से शुरू होती है, और इस टाइप से जो है वो ये कैसी हो जाती है, ये इनके अंदर जो है वो ब्रांच्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है, इनकम्प्लीट और ब्रांच्ड एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रेजेंट होगी। तो ये जो एब्जॉर्प्शन करेगा फूड का वो करेगा इस ओरल सकर से, तो ये इसके अंदर जो है वो इनकरेक्ट हो गया। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, ये भी करेक्ट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और इसमें कई तरह के लार्वा बनते हैं जिसमें मेरिसिडियम लार्वा, स्पोरोसिस, ट्रेडिया, सरकेरिया, मेटासरकेरिया लार्वा। क्लियर यहाँ तक, ये सारी इसकी लार्वल स्टेज होती है। तो इनकरेक्ट जो है वो इसमें से कौन सा हो गया, थर्ड जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट है हाउ मेनी सेकेंड पोलर बॉडीज वर प्रोड्यूस्ड इन ए 27 ईयर्स ओल्ड वर्जिन फीमेल ऑफ नॉर्मल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एट 12 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन को समझ लें एक बार, कोई लेडी है उसमें 12 ईयर की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है और अब उसकी एज जो है वो कितनी है, 27 ईयर की एज है। क्लियर। इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी सेकेंड पोलर बॉडीज वर प्रोड्यूस्ड इन ए 27 ईयर ओल्ड वर्जिन फीमेल ऑफ ए नॉर्मल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एट 12 ईयर ऑफ एज। तो आप ये देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने की क्या है, दैट इज वर्जिन फीमेल। फीमेल कैसी है, वर्जिन फीमेल है, वर्जिन फीमेल है इट मीन्स उसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या स्पर्म का कॉन्टेक्ट जो है वो सेकेंडरी ओसाइट से हुआ ही नहीं। क्लियर यहां तक। सेकेंड पोलर बॉडी या सेकेंडरी ओसाइट का जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट ही कब होता है, जब स्पर्म उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए। जब वो वर्जिन फीमेल है तो स्पर्म की कॉन्टेक्ट उसमें होगा ही नहीं। स्पर्म का कॉन्टेक्ट नहीं होने की कंडीशन में जो है वो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा और उस कंडीशन में जो है वो उसमें क्या होगा, पोलर बॉडी की, सेकेंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी नहीं। तो सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनने का मतलब जीरो सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज का काम जो है वो क्या होता है, ये एक्रोसोमल एक्शन करेगा जो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है। तो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना यानी एक्रोसोमल एक्शन। फर्स्ट कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है। थर्ड गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स जो बनते हैं उनकी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है और वो थ्री जर्म लेयर फॉर्म करती हैं, एक्टोमीजोर, एंडोडर्म। उसके बाद कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन होता है स्पर्म का एक्टिवेट हो जाना, एक्टिवेशन, वो कैपेसिटेशन। और उसके बाद कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम जो है वो मेमोरी ग्लैंड, ये इसका सिक्रीशन है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होना चाहिए, ए के साथ फर्स्ट, उसके बाद ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट फिफ्थ फोर्थ
फिफ्थ फोर्थ सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें सेकेंड ऑप्शन हो गया। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो तीन फेज है कौन कौन सी? फॉलिकुलर फेज, पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज और लास्ट की ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज के लास्ट में जो है वो क्या होता है? इनमें ओव्यूलेशन होता है। तो ये इनके अंदर जो है वो इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या होता है फॉलिकुलर फेज में? एक तो फॉलिकल्स की मैच्योरेशन होती है और उसके साथ साथ जो डीजेनरेटेड एंडोमेट्रियम होती है वो वापस रीजेनरेट या रिपेयर होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? बोथ 2 and 3। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ये नहीं होती, ये कब होती है? मेंस्ट्रुअल फेज में होती है। तो ये प्रोलिफ्रेशन होगा और उसके साथ साथ फॉलिकल की मेंटेनेंस होती है वापस। क्लियर? तो ये इनके अंदर मैच्यूरेशन होता है। तो ये इनमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 124 है, बट विच इज ट्रू। इसमें से ट्रू क्या है? जनरली एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेफ नहीं होती। सेकेंड, चांसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर नेग्लिजिबल इफ द मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट अप टू 6 months। 6 months तक जब तक वो करवा रही है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तब तक उसमें आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट नहीं होगी और ओवा मैच्यूरेशन नहीं होता है। तो उस टाइम के लिए जो है वो क्या होता है? इनमें कॉन्ट्रासेप्शन आर नेग्लिजिबल होता है। उस समय इनके अंदर जो है वो जब तक वो करवा रही है गर्भधारण की क्षमता नगण्य होती है। जनरली एमटीपी इज कंसिडर्ड रिस्कियर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये भी गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो जो है वो सबसे सेफ है। एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड इन ईच कंडीशन लीगली, कानूनी रूप से हर परिस्थिति में एमटीपी करवाई जा सकती है। ये भी गलत है, इनमें कुछ विशेष परिस्थितियों में ही एमटीपी करवाई जा सकती है। इसका मतलब करेक्ट पूछा है तो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो इनमें से कौन सा हो गया? सेकंड स्टेटमेंट है, वो ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी सारे रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 125, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन द स्पर्मेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड विद स्पर्मिएशन। जो इसमें स्पर्म है उसमें पहले जो फॉर्मेशन होती है वो स्पर्मेटिड की होती है, और वो स्पर्मेटिड किस फॉर्म के अंदर किसके साथ अटैच होकर या एसोसिएट होकर और स्पर्मियोजेनेसिस करती है। तो सबसे पहले स्पर्मेटिड बनते ही जो है वो सर्टोली सेल के साथ एसोसिएट होंगी, और वो सर्टोली सेल उनके अंदर जो है वो कई तरह के चेंजेस करेंगी, एक्सेस साइटोप्लाज्म को डिजेनरेट करेगी, उसके न्यूक्लियस में चेंज करेंगी। वो सारे चेंजेस करने के बाद वो स्पर्म में कन्वर्ट करती है उसको। तो किसके साथ अटैच होती हैं? सर्टोली सेल के साथ जो है वो ये एसोसिएट होता है। तो सर्टोली सेल के साथ एसोसिएट हो रहा है, इट मींस फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 126, IgA एंड IgR रेस्पेक्टिवली, IgA फाउंड इन कोलोस्टम एंड IgE एलर्जिक एंटीबॉडी। ये एलर्जी की कंडीशन में बनती है। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो उसमें क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। IgA कोलोस्टम में होती है और IgE एलर्जी की कंडीशन में बनती है। क्लियर? उसके बाद देखें 127, ओपियोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड्स रिसेप्टर इन आवर। कहाँ होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर? जो होते हैं वो अपने में ब्रेन और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मीन्स एलिमेंट्री केनाल। तो ब्रेन और एलिमेंट्री केनाल में या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट GIT, इसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। कॉमनली कॉल्ड स्मैग इज केमिकली डाई एसिटिल मॉर्फिन होगा। तो ये डाई एसिटिल मॉर्फिन। क्लियर? विच इज वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाई एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। इट मीन्स करेक्ट आंसर ब्रेन GIT एंड डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो ब्रेन एलिमेंट्री केनाल एंड डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो सेकेंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 128, स्पोरोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन। स्पोरोगोनी इट मीन्स स्पोर्स की फॉर्मेशन। तो डिप्लोइड स्पोर्स की जो फॉर्मेशन हो रही है वो मलेरिया पैरासाइट के अंदर या प्लाज्मोडियम में कहाँ होती है? वो स्टमक वॉल में होती है, वो भी किसके? मॉस्किटो के। क्योंकि सेक्सुअल साइकिल जो है वो चलती कहाँ पे? सेक्सुअल साइकिल जो चलेगी मलेरिया पैरासाइट की वो मॉस्किटो के अंदर होती है,
और ए सेक्सुअल साइकिल जो चलती है वो कहाँ चलती है, ह्यूमन में चलती है, क्लियर। तो ये इनके अंदर जो है वो कहाँ होगी, स्पोरोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा मॉस्किटो की स्टमक वॉल में, क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 129, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट लिविंग नो कॉमन एंसेस्टर और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे भी, जहाँ ब्रीड्स डिफरेंट हो सकती हो, जहाँ स्पीसीज डिफरेंट हो सकती हो, या अगर सेम ब्रीड है तो उनके अंदर भी वो एक दूसरे के कॉमन एंसेस्टर उनके नहीं रहे हों, क्लियर। या फिर वो किसी जो है वो सेपरेट जो है वो एंसेस्ट्री से इवोल्व हुए हैं, उनके बीच क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या कहेंगे वो, दैट इज आउटब्रीडिंग। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका फर्स्ट हो जाएगा आउटब्रीडिंग, क्लियर। तो इसमें करेक्ट आंसर आउटब्रीडिंग। नेक्स्ट 130, टिक मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के लिए जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट को टिक करना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट में आप देखें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है हिपेटिक्सिका आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ क्रोप एंड गिजार्ड। हिपेटिक्सिका क्रोप और गिजार्ड के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, ये इसमें पहला ही फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि क्रोप और गिजार्ड जो है वो दोनों किसके पार्ट है, फोरगट के पार्ट है। हिपेटिक्सिका फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे होता है, इट मीन्स गिजार्ड के और मिडगट के बीच जो है वो होगा, गिजार्ड और क्रोप के बीच जो है वो नहीं होती, इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये इनमें हो गया, मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6th-7th एब्डोमिनल सेगमेंट एंड फंक्शंस एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन मेल, करेक्ट है। मैंडिबल हेल्प इन इंसाइजिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये भी करेक्ट है। मेलपीजियन ट्यूबल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड इलियम, ये भी करेक्ट है। मिडगट के बाद ये हिंडगट का पार्ट है इलियम, इन दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा हो गया, फॉल्स हो गया फर्स्ट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 131, ऑल द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेज एक्सेप्ट, स्पंज में इनके अंदर से एक को छोड़कर सारी चीजें प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट नहीं होता, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें नहीं होती, समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए टिश्यू या ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन होती नहीं है, क्लियर यहाँ तक। तो इनमें टिश्यू या ऑर्गेन्स जो है वो नहीं बनते, तो ये क्या हो जाएगा इनमें, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्लियर। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पीक्यूल कोइनोसाइट्स ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट 132, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज में कौन सी होती है एक तो, और उसके बाद एंड एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम के अंदर जो इंटरवर्टिबल डिस्क बनती है वो किससे बनी हुई है, और नोज की टिप पर कौन सी कार्टिलेज होती है, तो टिप पर होती है इलास्टिक कार्टिलेज, और नेजल सेप्टम के अंदर जो होती है वो इनमें हाइलिन कार्टिलेज। नेजल सेप्टम कौन सी बनाएगी, हाइलिन कार्टिलेज, और नोज टिप पर जो प्रेजेंट होगी वो इसमें इलास्टिक कार्टिलेज। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या होगा, इलास्टिक कार्टिलेज एंड वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वर्टिबल कॉलम में तो होती है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और इस पे होती है टिप ऑफ नोज में इलास्टिक कार्टिलेज, क्लियर। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका, इसमें टिप पे, नोज टिप पे इलास्टिक कार्टिलेज, और उनमें जो है वो कौन सी रहेगी, ये फाइब्रस, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट मैचिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर एग्जाम्पल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उसके एग्जाम्पल में जो है वो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट दे रखा है इनकरेक्ट मैचिंग, सॉरी इसमें करेक्ट की बजाय जो है वो क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इनकरेक्ट मैचिंग जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। इनकरेक्ट मैचिंग में आप देखिए सबसे फर्स्ट बुकलंग्स, इसमें दे रखा है स्कॉर्पियोन एंड क्रेब, क्रेब जो है वो इसके लिए गलत आ गया, स्कॉर्पियोन के अंदर बुकलंग्स प्रेजेंट होंगे लेकिन क्रेब में जो है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, इसलिए ये इनकरेक्ट जो है वो इसमें ये हो गया।
मोस्ट स्किन एम्फीबिया लाइक फ्रॉग एंड अर्थवर्म, ये करेक्ट है। गिल्स प्रोन एंड मॉलस्क, ये भी करेक्ट है। बुक गिल्स लिम्यूलस, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें 134, लैक्टेशनल एमिनोरिया इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है कि जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, लैक्टेशन करवा रही है, तब तक आगे जो है वो मेंस्ट्रुएशन रुका हुआ रहेगा, तो क्या कहेंगे उसको, ये किसके कारण होता है, हाई लेवल ऑफ ये हाई लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो प्रोलेक्टिन के हाई लेवल के कारण जो है वो क्या होगा, आगे FSH सिक्रीशन जो है वो एक बार के लिए रुक जाएगा। FSH सिक्रीशन रुकेगा तो नई फॉलिकल की मैच्यूरेशन नहीं होती, क्लियर। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 135 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मलेरिया इज करेक्ट एक्सेप्ट। मलेरिया के संदर्भ में जो है वो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें मलेरिया इज करेक्ट एक्सेप्ट एक को छोड़कर, बाकी सारे इसका मतलब करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, तो अपने को कौन सा निकालना है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। फर्स्ट है पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स बर्स्टिंग द आरबीसी एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड चिल्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आरबीसी के अंदर जो है वो एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है और जैसे ही आरबीसी बर्स्ट होती है उसमें से हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा में रिलीज होती है, उससे फीवर और चिल्स होती है, क्लियर करेक्ट है। सेकंड दे रखा है सेक्सुअल सेस्टेजेस गैमिटोसाइट डेवलप इन द ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये क्या दे रखा है, सेक्सुअल स्टेज गैमिटोसाइट डेवलप इन द ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये क्या होगा इनमें, ये इनके अंदर जो है वो गैमिटोसाइट किस में डेवलप होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो है वो डेवलप नहीं होती, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज जो चलती है वो फीमेल एनाफिलीज के अंदर जो है वो चलेगी। तो गैमिटोसाइट का आगे जो डेवलपमेंट होगा, तो वो गैमिटोसाइट का आगे का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है इनके, ये फीमेल एनाफिलीज के अंदर जाने के बाद होता है, तो ये इसके लिए करेक्ट नहीं होगा। द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज ए वैक्टर, तो ये भी करेक्ट है, इसकी वैक्टर जो है वो क्या होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होगी। इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर थ्रो ब्लड, ये भी करेक्ट है कि ब्लड में आने के बाद में ये ब्लड के थ्रू किस में जाती है, लीवर में जाएगी, और लीवर में जाने के बाद वहाँ क्या करती है, लीवर में जाने के बाद ये वहाँ पे प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंप्लीट करती है, क्लियर, वहाँ साइजो को नहीं करती है, तो ये करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो उसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, तो करेक्ट आंसर सेकेंड होगा, क्लियर। उसके बाद आगे देखें नेक्स्ट 136 है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, एंटीजन बाइंडिंग साइट ध्यान है भैया आपको, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है वो कौन सी होती है इनमें, ये यहाँ जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है जिसके अंदर कौन सा, ये यहाँ तक वेरिएबल रीजन होता है और ये यहाँ से कॉन्स्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल रीजन और कॉन्स्टेंट रीजन में ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन का ये एन एंड और ये कौन सा एंड होता है इसका, सी एंड होता है, क्लियर। तो ये वेरिएबल रीजन की हैवी और लाइट चेन का एन एंड, इसके ऊपर जो है वो ये प्रेजेंट होती है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन्स प्रेजेंट एट एंड टर्मिनल एंड, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आगे देखें नेक्स्ट 137, इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डा टेंडिनी ऑफ मिट्रल वाल्व, कॉर्डा टेंडिनी कौन से का, मिट्रल वाल्व का है, इट मींस किसकी बात चल रही है, वो लेफ्ट पार्ट की बात चल रही है, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, वो अगर इसमें मिट्रल वाल्व जो है लेफ्ट पार्ट का वो अगर क्या हो जाए, पार्शियली नॉन फंक्शनल हो जाए या कट हो जाए, व्हाट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट, क्या होना चाहिए उसके अंदर जो है वो, अगर कॉर्डा टेंडिनी डिजेनरेट हो गए, रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो क्या होगा उसमें, इसके अंदर जो है वो वाल्व जो होंगे लेफ्ट राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच के वाल्व, वो अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होने लग जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होने का मतलब जो है वो एंट्रिकल का ब्लड है वो वापस
एट्रियम के अंदर भी जा सकता है, इसलिए जो एओर्टा के अंदर ब्लड का प्रेशर लगेगा वो कम हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो क्या होगा, द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द एओर्टा विल बी रिड्यूस्ड। तो एओर्टा के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात चल रही है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है 138, द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इन वेरी इफेक्टिवली मेंटेन्ड बाय द बैलेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ ब्लड। प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करने के लिए दो हॉर्मोन्स है जो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं। पैराथार्मोन ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज करता है और कैल्सिटोनिन इस प्लाज्मा में कैल्शियम आयन के लेवल को डिक्रीज करता है। क्लियर? तो पैराथार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड का, थायरोकैल्सिटोनिन है वो थायरॉइड ग्लैंड का, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंटागोनिस्ट काम करेंगे। तो पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये थायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है, ये सॉरी पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है और ये थायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है। क्लियर यहां तक? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, इफ ए पर्सन इज लॉस्ट इन अ डेजर्ट, आदमी जंगल में रेगिस्तान में खो गया है, रेगिस्तान में कहीं खो गया है, बट हैज ए कैन ऑफ बियर, बियर की कैन उसके पास है, शुड ही ड्रिंक बियर टू कैच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए उसको उस बियर कैन का यूज कर लेना चाहिए या नहीं, क्या होगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल जो होती है या जो बियर है उसमें वो एल्कोहल है वो एडीएच सिक्रीशन को इनिबिट करेगा। एडीएच सिक्रीशन इनिबिट होगा तो क्या होगा, डायूरेसिस होगी, एडीएच कम बनेगा तो डायूरेसिस होगी, और डायूरेसिस में क्या होगा, बार बार उसको यूरिन एलिमिनेट करना होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा उसमें। क्लियर यहां तक? इसलिए क्या होना चाहिए इसमें, करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, नो एल्कोहल, नो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल इनिबिट्स एडीएच सिक्रीशन एंड देयर बाय इंक्रीज यूरिन आउटपुट, तो ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देगा तो बॉडी में वाटर लॉस और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो थर्ड आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद आप देखें 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन द रोड एंड कोन, इनकरेक्ट जो है वो इसमें छांटना है। तो रोड्स में देखा कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ रेटिना, कॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर रेटिना, तो ये इनके अंदर उल्टा कर दिया दोनों को ही, इसका मतलब ये ही इनकरेक्ट हो गया कि ये रेटिना के अंदर सेंटर ऑफ रेटिना है उसमें कंसंट्रेट कौन सी होती है, कॉन सेल ज़्यादा कंसंट्रेट होती है, रोड सेल इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्लियर? तो ये उल्टा कर दिया, पहला डिफरेंस ही इसके लिए गलत हो गया। ट्वीलाइट विजन सही है, अंधेरे में या कम रोशनी में काम करता है, डे लाइट विजन में काम करता है, रोडोप्सिन होता है इसमें, ये भी सही है, इसमें आयोडोप्सिन होता है, करेक्ट है, ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रीन ब्लू और रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बाकी सारे सही है, फर्स्ट जो डिफरेंस है वो इनका रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर? तो ये इनमें इनकरेक्ट डिफरेंस हो गया फर्स्ट वंस। नेक्स्ट है 141 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एन एग्जाम्पल। पहला दे रखा है जॉइंट, पाइवट जॉइंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, करेक्ट है। ग्लाइडिंग जॉइंट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट बिटवीन द कार्पल्स, ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन ये परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट जो दे रखा है वो गलत है, क्योंकि ग्लाइडिंग जॉइंट है वो किस तरह का है, सिनोवियल जॉइंट है, और सिनोवियल जॉइंट में जो है वो क्या होता है, फ्री मूवमेंट कर सकती हैं, तो एक लिमिटेड मूवमेंट जो है वो नहीं करवा के फ्री मूवमेंट करवा सकती हैं, तो ये इनके अंदर इनकरेक्ट मैच है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट, ये सही है, बोन्स आर जॉइंट टूगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, सही है, जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ इनके बीच में होगी वो फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, सॉरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा इनके बीच, और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होने के कारण इनमें पार्शियल मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। क्लियर यहाँ तक? तो करेक्ट, ये भी करेक्ट हो गया। हिंज जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स, तो ये इनमें एक बोन हो गई, ये बोन हो गई, इनके बीच क्या है, सिनोवियल फ्लूइड भरा रहेगा, यहाँ सिनोवियल कैप्सूल रहेगा। क्लियर? नी जॉइंट, ये भी सही है, तो इनके अंदर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा, इनमें
इनकरेक्ट में सेकंड जो है वो उसका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट 142 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ हॉर्मोन्स, इट्स सोर्स ऑफ सिंथेसिस एंड फंक्शन। हॉर्मोन, फर्स्ट हॉर्मोन दे रखा है ACTH, क्या पूछा है इसमें, करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग पूछी है। तो इनमें आप देखें हॉर्मोन ACTH, सोर्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये भी करेक्ट है। फंक्शन, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम करता है, ACTH का नाम ही क्या है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन, तो ये करेक्ट है। LH हाइपोथैलेमस, ये इनकरेक्ट हो गया, समझ में आ गई ना। LH जो है वो किससे होता है, ये भी एंटीरियर लोब से होता है पिट्यूटरी के, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ग्लूकेकोन, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ये भी इनकरेक्ट हो गया, अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, बीटा से कौन सा सिक्रीट होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकेकोन। वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस में बनता है, इंक्रीजेस डायूरेसिस, इसमें ये चीज जो है वो गलत कर दी, वैसोप्रेसिन है वो क्या करता है, डायूरेसिस को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है डायूरेसिस को, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट जो है वो इसमें मैचिंग कौन सी है, फर्स्ट मैचिंग जो है उसमें करेक्ट मैचिंग हो गई, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया, क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 143 है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आर रिप्रेजेंटेड एज ए एंड बी, सेलेक्ट द इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। ए और बी दो जो है उसमें ये दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर द कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ जो है वो ये शिफ्ट हो रहा हो, क्या पूछा है इसमें, इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट आपको बताना है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट मीन्स वो कहाँ हो रहा है, टिश्यू के अंदर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस टिश्यू में हो रही है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ CO2 भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इनके अंदर जो है वो बी से ए की तरफ, तो क्या बता रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो रहा है, इधर तो एसोसिएशन बढ़ा रहा है, इधर आए तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, क्लियर यहां तक। तो क्या बता रहा है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए जो है वो नहीं शिफ्ट हो सकता, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर जो है वो क्या आना चाहिए, ये इस साइड आना चाहिए और ग्राफ जो है वो ऐसे होना चाहिए, समझ गए, बोर इफेक्ट शो करेगा, और बोर इफेक्ट शो करने का मतलब जो है वो क्या हुआ, बोर इफेक्ट शो करेगा तो राइट हैंड साइड जो है वो शिफ्ट, ग्राफ जो है वो शिफ्ट होगा, जबकि ये कहां पे बता रहा है, राइट की बजाय लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ को शिफ्ट कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो सबसे पहला ही जो है उसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर यहां तक। तो 143 का फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आप देखें 144, इन द अकंपनिंग डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन नेफ्रॉन द फंक्शनल पार्ट ऑफ द लेबल्ड एज ए बी सी डी ई, क्लियर। ये पार्ट है इनमें, ए क्या हो गया, ए जो है वो मेलपीजियन कॉर्पस्किल्स हो गई, या इसको क्या कह देंगे, मेलपीजियन या रीनल कॉर्पस्किल, ये पी सी टी, ये बी हो गया, हैनले लूप सी हो गया, ये डी सी टी कलेक्ट, ये डी सी टी हो गई डी, और ये कलेक्टिंग डक्ट ई हो गया, क्लियर। पहला है पी में दे रखा है एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट अकर्स इन विच पार्ट, एक्टिव सिक्रीशन हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का इसमें होता है, ये इनके अंदर, इसमें एक्टिव सिक्रीशन अगर आप देखें तो पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, तो ए डी, ये सॉरी बी डी और ई, ए पी के साथ तो क्या आ जाएगा, बी डी ई। उसके बाद है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इज ए फंक्शन ऑफ, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है डी सी टी में, यहाँ होता है ए डी एच का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और इसके साथ साथ सॉरी ए डी एच के थ्रू जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और एल्डोस्टेरोन के थ्रू जो है वो यहाँ किसका, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा तो किस में होता है, डी सी टी में, और ये जो होता है सॉरी यहाँ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है वो डी सी टी में, तो ये इनके अंदर जो है वो इसमें तो आ जाएगा बी में भी होगा, डी में होगा, तो बी डी
ये इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट फ्रॉम अकर्स इन विच पार्ट, कौन कौन से में होता है, बी में, ये बी, डी में और ई में, इनके अंदर हो जाएगा। उसके बाद है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इज ए फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन है, डीसीटी का, डी में। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज मिनिमम इन विच सेगमेंट, तो ये कौन से में होता है, लुपोफेनले में, सी में, तो ये सी आएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक, तो ये इसमें फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी डी ई, क्यू में डी और आर में सी। क्लियर, ये फर्स्ट होगा इसका आंसर। क्लियर, इसके बाद आप देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट है 145, हाउ इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इनसे डिफरेंट जो है वो किस तरीके से फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहला ऑप्शन दे रखा है फैट्स एंटर हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ये गलत हो गया, हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में जो है वो ये जाती ही नहीं है। क्लियर आ तक, क्योंकि किस में जाएगी है, फैट्स एंटर हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंटर लिम्फेटिक सिस्टम, ये गलत, उल्टा दे दिया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है वो किस में जाता है, ये पोर्टल सिस्टम में जाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम में फैट जाती है। फैट्स आर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, गलत है, दोनों ही, ये तीनों ही फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। थर्ड है फैट डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अकर्स इन स्टमक, ये भी इनकरेक्ट है। फैट्स आर एब्जॉर्ब इन टू द सेल्स एज फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड बट आर देन मॉडिफाइड फॉर एब्जॉर्प्शन इन टू द ब्लड थ्रू लैक्टियल्स, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज आर नॉट मॉडिफाइड फर्दर, ये करेक्ट है, क्योंकि ये क्या करती है, पहले फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड है वो पहले आके क्या बनाएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो पहले एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होके पहले मिसेल बनाते हैं, वो मिसेल एंटेरोसाइट में एब्जॉर्ब होने के बाद रीफॉर्म्ड होके लिपिड मॉलिक्यूल बनाती है और उसके चारों तरफ प्रोटीन कोटिंग होने के बाद क्या बनाएगी, वो काइलोमाइक्रोन फॉर्म करती है। क्लियर आ तक, तो पहले वो काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में मॉडिफाइड होती है उसके बाद लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होती है, जबकि एमिनो एसिड जो प्रोटीन से बने हैं वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स हैं वो आगे मॉडिफाइड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 146 है द रेट, द ब्रीदिंग रेट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज व्हेन, तो ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ने का कारण जो है वो क्या पॉसिबल कारण हो सकता है, अगर ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। ध्यान आपको कि इनके अंदर जो कीमोरिसेप्टर होते हैं वो हाइड्रोजन आयन और CO2 की कंसंट्रेशन के लिए जो है वो हाईली सेंसिटिव है। क्लियर आता, तो वो उनके लिए हाईली सेंसिटिव होंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो ज़्यादा CO2 होते ही जो है वो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा वो। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 147 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी बट वन इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जहां यूट्रस की बजाय फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता हो, तो फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है जिसके कारण जो है वो मदर में जो है वो पेन रहेंगे एक तो, और उसके साथ साथ पेन होने के साथ साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो वो इनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कौन सा गलत है वो आपको देखना है, रॉन्ग पूछा इसमें कि इसके लिए, बट वन इज रॉन्ग, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, करेक्ट है इसके लिए, इट इज द प्रोसेस इन विच द एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बरोज एंड एम्बेड्स इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये इनकरेक्ट है, यूट्रस की लाइनिंग में अगर जा रहा है तब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही क्या है कि वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्बेड हो जाए। क्लियर, थर्ड है द ब्लास्टोसिस्ट ओकेजनली एम्बेड्स एंड डेवलप विद इन द फेलोपियन ट्यूब, ये भी
सही है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके एम्बेड हो जाए, इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल एंड पोटेंशियली फैटल टू द मदर बिकॉज हैवी ब्लीडिंग अकर्स एज एम्ब्रियो ग्रोज. एम्ब्रियो जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे इनमें हैवी ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इनके अंदर होने लग जाती है, मदर वीक हो जाती है और लास्ट में उसकी डेथ भी हो सकती है. तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, बाकी सारे सही है. कौन सा इनकरेक्ट है? ये जो है वो सेकेंड इसके लिए करेक्ट नहीं है. यूट्रस की लाइनिंग के अंदर उसको इम्प्लांट हो रहा है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखें 148. सिस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू. सिस्टोलिक प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उस टाइम जो है वो आर्टरी के अंदर ब्लड को पंप किया जा रहा है. सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हार्ट सिस्टोलिक स्टेज में है, उस कंडीशन में वो आर्टरीज के अंदर ब्लड को पंप कर रहा है. आर्टरी में ब्लड पंप हो रहा है उस टाइम जो है वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा, उसका सिस्टोलिक प्रेशर है. तो ये क्या आएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा 4th. ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल. सिस्टोल के टाइम आर्टरीज के अंदर जो है वो फास्टली ब्लड को फोर्स किया जाएगा. क्लियर? 149. इन विच कंडीशंस हार्टबीट विल हायर. हार्टबीट किस कंडीशन में बढ़ सकती है? CO2 लो. लो CO2 में हार्टबीट नहीं बढ़ेगी. कब बढ़ती है? हाई CO2 होती है तो हार्टबीट बढ़ेगी. CO2 हाई, pH लो. एसिडिटी होगी CO2 हाई होने से. pH लो, टेम्परेचर हाई, हायर एल्टीट्यूड. हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो होगा. ये हो गया pH. इसमें ज़्यादा दिखा रहा है, पॉसिबल नहीं है. इसमें pH कम है लेकिन CO2 भी कम दिखा दिया, ये पॉसिबल नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड. क्लियर यहाँ तक? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया. उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 150 है. स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ध्यान है विलाई एंड माइक्रो विलाई. तो ये विलाई और माइक्रो विलाई में क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं और उसके साथ साथ लैक्टियल्स या लिम्फ वेसल्स होती हैं. लिम्फ वेसल्स फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए और लिम्फ ब्लड कैपिलरीज है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन के लिए होती है. क्लियर यहाँ तक? तो ये सारा जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा? ब्लड कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स. फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्लियर यहाँ तक? ये आपने देखा सारे जो है वो 50 क्वेश्चंस है उनके आंसर हो गए. क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय. हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे. ठीक है, और अपने पास में दंगल टेस्ट सीरीज का अपना 11वां दंगल है. अब आपके 4 दंगल और बचे हुए हैं, तो पूरी मेहनत के साथ में अपने पास में आप लग ही रहे होंगे. तो बच्चों, अपने पास में 11वें दंगल में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बोटनी वाला पोर्शन. बिल्कुल NCERT बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, द यूनिक फ्यूचर ऑफ ऑल प्रोकैरियोट सेल आर. ठीक है, प्रोकैरियोट सेल का यूनिक फीचर क्या है? अब बच्चों, पहला ऑप्शन है अपने पास में प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड. अब आपको पता है कि प्लाज्मिड की प्रेजेंस को तो आप देखोगे तो अपने पास में प्लाज्मिड अपने पास में प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन सभी प्रोकैरियोट सेल में ये नहीं होता है. तो ये यूनिक फीचर नहीं हो गया, क्योंकि कुछ प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडी. हाँ, ये जरूर है कि इंक्लूजन बॉडी कोई सी ना कोई सी, बहुत सारी इंक्लूजन बॉडी होती है, कोई भी इंक्लूजन बॉडी अपने पास में एक ना एक प्रेजेंट होती है. तो ये यूनिक फीचर हो गया. साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल बिल्कुल नहीं होता है. कोशिका द्रव्य की गति अपने पास में जो यूकैरियोट कोशिका के अंदर भी होती है. तो यूनिक फीचर का मतलब यही होता है बच्चों कि अपने पास में केवल उसमें उपस्थित हो, और वो अपने पास में कौन सा हो गया? सेकंड आंसर. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोलॉजी से है. दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है, तो अपने पास में पहला है ये, देखो बेटा ये आपको भी पता है कि ये डायग्राम जो है अपने पास में वो अपने पास में ऑर्किड का है. ऑर्किड के साथ में अपने पास में बी है, ये सूडो कोपुलेशन कर रहा है, और अपने पास में एक तरह का अपने पास में क्या होता है, पॉलिनेशन करने के लिए योगदान होता है. तो अपने पास में आंसर हो गया ऑर्किड फ्लावर
इज पोलिनेटेड बाई बी, ठीक है, मेडिटेरियन सी के आसपास ये ऑर्किड होता है और ये ऑर्किड अपने पास में सूडो पॉपुलेशन द्वारा पोलिनेटेड होता है। तो ये हम दो जगह पढ़ते हैं, एक बार अपने पास में शुरुआत में भी पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, फिर आगे भी पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। तो आंसर आपके थर्ड। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, यू आर गिवन ए न्यूक्लिक एसिड दैट यू थिंक इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बट यू आर नॉट श्योर, ठीक है, यू एनालाइसिस द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ द सैंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन वुड कंफर्म यू योर थिंग्स, भाई कौन अपनी थिंग्स को अपने पास में निश्चित कर देगा कि ये दिया गया जो डीएनए है वो अपने पास में सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। तो आपको पता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चारागाप का रूल अपने पास में फॉलो नहीं होता। चारागाप अपने पास में क्या होता है, जितने साइटोसिन उतने गुआनिन, जितने एडिनिन उतने थायमिन हो गए। तो इसका मतलब डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड। तो आप देखो बच्चों अपने पास में सी जी को अपने पास में यहां से देखेंगे तो अपने पास में क्या होगा 12-12%, 28-28 और 12-12। तो अब बच गया अपने पास में डिफरेंट किसमें, थर्ड में। तो थर्ड अपने पास में क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो देखिएगा, हिडन हंगर इज रिलेटेड विद, छिपी भूख किससे संबंधित है। छिपी भूख का मतलब ये होता है बच्चों कि आपके मिनरल्स और न्यूट्रिशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मिनरल्स और न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड, तो अपने पास में पर्याप्त मात्रा में होती तो छिपी भूख बोलते ही क्यों, तो ये रॉन्ग हो गया। डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड विटामिन, बिल्कुल सही बात है कि भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन अपने पास में प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए छिपी भूख है। फूड ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये दो ऑप्शन तो कहीं कोरिलेटेड ही नहीं करते हैं। तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्मूथ लीफ एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज डू नॉट अट्रैक्ट, आपको ये बिल्कुल अपने पास में एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि अपने पास में जो स्मूथ लीफ और नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी होती है वो बॉलवर्म को अट्रैक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो अपने पास में ये गोलकर्मी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं बेटा, बॉलवर्म इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि बॉलवर्म को अपने पास में इंसेक्ट है और इंसेक्ट किसके लिए अट्रैक्ट होता है, नेक्टर के लिए। जब आपके उसमें नेक्टर ही नहीं है तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, विच इज हेट्रोपोलीमर। तो अपने पास में पहला ऑप्शन है प्रोटीन, आपको पता है कि प्रोटीन जो होती है वो 20 टाइप एमिनो एसिड से अपने पास में मिलकर के बनी होती है। तो 20 टाइप है तो डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड है और डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड से मिलकर के बनी हुई है तो अपने पास में क्या हो गई, हेट्रो। अगर एक जैसे अपने पास में यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है इसका मतलब होता है होमोपोलीमर। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि चार न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, मेनली फोर न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट करते हैं, एडिनिन वाले और उसके साथ में अपने पास में कौन जुड़ेगा, एक तो नाइट्रोजन बेस पेयर और नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ में कौन जुड़ेगा, पेंटोज सुगर और पेंटोज सुगर के साथ में अपने पास में क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। अब बच्चों अपने पास में फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ में जुड़ गया तो पेंटोज सुगर के साथ में अपने पास में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अब यहां पर ये चीज वेरिएबल होती है, ये चीज वेरिएबल होती है तो अपने पास में क्या हो गया, वो हेट्रोपोलीमर हो जाता है, डिफरेंट से मिलकर बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो सुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना हुआ होता है बच्चों, तो सुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट के कारण से ये भी क्या हो जाता है, हेट्रोपोलीमर हो जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर चला जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में होगा क्वेश्चन नंबर 157। तो 157 अपने पास में क्या कह रहा है देखिएगा, 157 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, आपको गलत कथन छाटना है। गोल्डन राइस इज विटामिन ए रिच, आपको भी पता है कि गोल्डन राइस जो है उसके अंदर हमने क्या किया गया है, कैरेटिनोइड जीन ट्रांसफर की है और विटामिन ए रिच बनाया है। बीटी कॉटन इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, बिल्कुल इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस अपने पास में ये क्रॉप होती है, कीट प्रतिरोधी अपने पास में होती है। ह्यूमलिन इज द रिकॉम्बिनेट इंसुलिन दैट इज यूज टू ट्रीट ऑफ डायबिटीज, बिल्कुल सही बात है, मधुमेह के उपचार में जो अपने पास में यूज किया जाता है इंसुलिन वो अपने पास में आर्टिफिशियल है, रिकॉम्बिनेट इंसुलिन है जो अपने पास में बनाया गया है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में रोजी इज द क्लोन ऑफ माउस
दैट प्रोड्यूस अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, अपने पास में माउस नहीं है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोन जो है वो गाय का है, तो अपने पास में रॉन्ग आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इंसुलिन को अपने पास में मॉडिफाइड नहीं किया गया है भाई, रिकॉम्बिनेट टेक्निक द्वारा अपने पास में इसको बनाया गया है जीन डाल करके, तो ये अपने पास में यूमुलिन हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट की बात अपन करते हैं, तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर आपको सेलेक्ट करना है, बाक और याक, अपने पास में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम HGP में यूज किए गए थे जीन ट्रांसफर के लिए, DNA प्रोब DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ETBR जो होता है वो अपने पास में जेल विद्युत संचलन में उपयोग किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज डाल करके उसके कलर को देखा जाता है DNA को, प्रोटीन प्रोब PCR में यूज होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, PCR में प्रोटीन प्रोब नहीं यूज होते हैं, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में निकल करके आता है, ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेज इज, भाई आपको पता है कि अपने पास में ये NCERT की ही लाइन है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रारूप जो एस्ट्रेसी और घासों में कुछ प्रजातियों में लैंगिक जनन का अनुकरण करता है, तो सिंपल सा क्या बात होती है कि जो अपने पास में होता है एगेमो, अपने पास में स्पर्मी, जिसे अपन क्या बोलते हैं पार्थ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, जो अपने पास में मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको आप एपोमिक्सिस भी बोल सकते हो, तो एपोमिक्सिस या एगेमो स्पर्मी अपने पास में ये आंसर चला जाएगा। क्लियर है भाई, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, 160 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत आपको छाटना है, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, बिल्कुल सही बात है, अधिकतर टेरिडोफाइट अपने पास में क्या है होमोस्पोरस है, कुछ टेरिडोफाइट जैसे एजोला हो गया, साल्वेनिया हो गया, तो ये अपने पास में क्या होते हैं जो होते हैं एजोला साल्वेनिया और सेलेजिनेला, ये अपने पास में क्या होता है बेटा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, ज्यादातर अपने पास में होमोस्पोरस होते हैं। राइट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म प्लांट इनसाइड ऑल मोनोकोटिलिडोन, भाई जिम्नोस्पर्म तो कोटोलिडोन में है ही नहीं ना, अपने पास में कोटोलिडोन में तो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को हमने दो पार्ट में बांटा है डाइकोट और मोनोकोट, तो अपने पास में एंजियोस्पर्म का पार्ट है तो रॉन्ग हो गया क्योंकि इसने जिम्नोस्पर्म का बोला हुआ है। यहाँ पर सिड्रस प्लांट है ब्रांचेज डिस्टेम, बिल्कुल सही बात है, साइकस और अपने पास में अनब्रांचेड, और सिड्रस और पाइनस क्या होते हैं ब्रांचेज, अपने NCERT लिखती है। लाइकोपोडियम इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा, मैंने हेट्रो के नाम लिख दिए, बाकी अपने पास में बच गए जो क्या है होमोस्पोरस, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या कह रहा है, तो अपने पास में कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के बारे में पूछा है आपसे, तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है बेटा लार्ज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लार्ज इन साइज, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और रिच ऑफ नेक्टर होते हैं, भाई सुगंध आएगी तो इंसेक्ट क्या होगा उनके पास में जाएगा, नेक्टर को खाने के लिए जाएगा, बड़े आकार में होंगे तो दिखाई देंगे और रंगीन होंगे तो अपने पास में इंसेक्ट को आसानी से क्या होंगे दिखाई देंगे, तो पहला ही अपने पास में सही हो जाता है। नॉन स्टिकी नहीं होते हैं, स्टिकी होते हैं, क्योंकि अगर नॉन स्टिकी होते बच्चों तो इंसेक्ट के पैरों से कैसे चिपकते हैं, ठीक है। क्लेस्टोगैमस होते हैं तो अपने पास में उसमें तो ऑटोगैमी हो जाएगी, तो उसमें इंसेक्ट का कोई काम ही नहीं है, और चेस्मोगैमस अपने पास में है कलरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं, तो इंसेक्ट क्या करने जाता है वहां पर, तो इंसेक्ट उनके पास में जाता ही नहीं, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 162 नंबर क्वेश्चन, 162 नंबर आपको क्या कह रहा है देखिएगा, पिक आउट द ऑड वन, आपको अपने पास में इसमें अलग छांटना है, अलग क्यों छांटना है बच्चों, ऑक्सीजन जो है गैसियस साइकिल, कार्बन गैसियस साइकिल, नाइट्रोजन गैसियस साइकिल, फॉस्फोरस जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल है, तो ये अपने पास में और बाकियों से क्या हो गया अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, हाँ भाई, सुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज सुगर इन देयर स्टेम, स्प्रिंग सुगर कैन क्रॉप विद ए ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड बाय एज सच मैच 20 टन पर एरियाज, ठीक है, दिस ग्रोथ रेगुलेटेड एंड स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ, आपको पता है कि भाई अपने पास में ये कह रहा है
कि एक गन्ने के कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के रूप में अपने तनों में संग्रहित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक गन्ने की फसल में वृद्धि नियामक का छिड़काव करके इसके तने की लंबाई को बढ़ा देता है, जो लब्धि 20 टन प्रति एकड़ तक बढ़ जाती है। यह वृद्धि नियामक तथा खालिस्तान की क्रिया को उद्वेरित करता है। तो बच्चों आपको पता है कि सुगर स्टोर करता है गन्ना, वो किसके अंदर करता है? स्टेम के अंदर करता है। तो अपने पास में जिब्रेलिन डालो उसके ऊपर, जो अपने पास में इंटर कैलरी मेरिस्टेम को बढ़ा करके और इंटर नोड की अपने पास में क्या बढ़ा देगा, लेंथ को बढ़ा देगा, और इंटर नोड की लेंथ बढ़ जाएगी तो अपने पास में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर अपने पास में कौन हो जाएगा बच्चों? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? फाइटोफेगस पादप बक्सी जो पादप के रस को खाते हैं, ठीक है। डायपाज अवस्था जो है वो अपने पास में सस्पेंशन अवस्था है, तो निलंबित अवस्था है। समस्थापन होमियोस्टेसिस जो होता है, इसका मतलब आंतरिक वातावरण को नियंत्रित बनाए रखते हैं। और एस्टिवेशन होता है, ये अपने पास में गर्मियों के दौरान जो अपने पास में निष्क्रिय अवस्था होती है, इनएक्टिव फेज होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। तो ये हो गया आंसर, तो अपने पास में क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब अपने पास में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, द बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल। आपसे कहा गया है कि मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण से यह अपने परभक्षी के लिए बहुत अरुचिकर यानी स्वाद में खराब हो जाती है। तितली यह रसायन कहां से प्राप्त करती है? बच्चों बहुत बार आपको बताया गया है कि भाई ये तितली अपने पास में कैटरपिलर अवस्था में कुछ पॉइजिनस वीड्स को खा करके इसको प्राप्त करती है। तो ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑफ कुछ पॉइजनस वीड्स, ठीक है, विषैली खरपतवार खाती है, जिससे उसके अंदर अपने पास में क्या आ जाता है, डिटेस्टफुल हो जाती है और अब उसको कोई भी नहीं खाता है। तो वो अपने प्रीडिएटर से बचने के लिए इस प्रकार के अपने पास में क्या विकसित करती है, एडेप्टेशन विकसित करती है। क्लियर है? आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक किट बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। देखो बेटा, HIV के लिए एलाइजा तो आपको सबको याद होगा, लेकिन डेंगू किट भी जो होती है वो अपने पास में बेस्ट होती है एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर। तो आंसर जो जाएगा वो थर्ड जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन PCR। PCR का उपयोग अपने पास में है, तो अपने पास में PCR का क्या उपयोग है? DNA का एम्पलीफिकेशन करती है, बिल्कुल करती है। HIV की पहचान करती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज आती है, क्योंकि अपने पास में भाई DNA फिंगरप्रिंटिंग में कई बच्चे सोचते हैं कि भाई किस तरह से DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज आएगी। तो अपने पास में क्या होता है बच्चों, कि अपने को कहीं पर सैंपल मिला DNA का, कहीं क्राइम प्लेस से वो थोड़े अमाउंट में है, तो उसको पहले किस में इंक्रीज किया जाएगा? PCR में। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेटेड मैटर फ्रॉम द एक्सिबिट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो आपसे कहा गया है बच्चों, अपने पास में आपको पता है थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाया जाता है, और कोयले से अपने पास में जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, धुआं निकलती है, उसमें डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर लिया जाता है 99% किसके द्वारा? ESP द्वारा, इलेक्ट्रोस्टेटिक परसिपरेटर, स्थिर विद्युत की अपचेतक। ये आपके अच्छे से आपको याद होगा, यहाँ धनात्मक प्लेट होती है, यहाँ पर अपने पास में हाई वोल्टेज रहता है, तो कोरोना डिस्चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अपना जो पार्टिकल आएगा वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और वो फिर अपने पास में क्या होगा, प्लेट से अट्रैक्ट होगा। क्लियर है? तो ये हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। अपने पास में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर, बिल्कुल सही बात है, सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। और अपने पास में हिंड सेकंड जो है प्रथम खोजा गया रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस था, बिल्कुल सही बात है। इकोआर फर्स्ट है वो अपने पास में चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज इसका अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर चला जाएगा। So, अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड, और आपको पता है कि सुक्रोज जो है वो अपने पास में डाइसैकेराइड है। अब सुक्रोज किससे बना हुआ है बेचा? तो अपने पास में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से।
क्योंकि आपको पता है ये एक अपचायक शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है अपने पास में, क्योंकि इसके अंदर एक अपने पास में क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है। तो सुक्रोज़ अपने पास में क्या हो गया, एक डाइसैकेराइड हो गया जो बना हुआ होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो ये अपने पास में आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस रिप्रेजेंट सैचुरेशन पॉइंट आर। ठीक है, अपने पास में वह प्रक्रिया जिसमें अपने पास में संतृप्त बिंदु प्रदर्शित होता है। तो आपको पता है कि भाई अपने पास में जहां पर भी बच्चों प्रोटीन का अपने पास में यूज होता है, जहां पर भी किसका यूज होता है, प्रोटीन का यूज होता है, वहां पर अपने पास में ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन का यूज होता है। मान लो कि 5 प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और 5 के 5 काम में आ रहे हैं, तो इसका मतलब सैचुरेशन हो गया। अब आपको 6वां मॉलिक्यूल ले जाना है तो वो किससे जाएगा, जब हमारे पास में ले जाने वाले 5 थे तो 5 काम आ रहे हैं तो 6वां नहीं जाएगा, इसका मतलब चीज क्या हो गई, सैचुरेशन में आ गई। तो अपने पास में सैचुरेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपने पास में प्रेजेंट होता है। आंसर विल बी 4। अब अपन बात कर रहे हैं एक्सेस ऑफ द मैग्नीशियम इज नॉट प्रोड्यूस कैरेक्टर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज की अधिकता किसकी कमी के लक्षण उत्पन्न नहीं करा सकती। देखो बेटा आपको पता है ये अपने पास में हम न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी में अपने पास में आपको पता है कि मैग्नीज की अधिकता होगी तो कैल्शियम से कंपटीशन होगा, मैग्नीशियम से और आयरन से कंपटीशन होगा, तो ये इनकी कमी के लक्षण पैदा करवाएगी। केवल क्लोरीन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो अपने पास में ये 3 की लक्षण पैदा करवाएगी, क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, माइक्रोराइजा नॉट हेल्प इन पाइनस प्लांट। माइक्रोराइजा में कवक मूल सहायक नहीं होती है। तो कवक मूल वाटर एब्जॉर्प्शन में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में सहायक होती है बच्चों, लेकिन फूड ट्रांसलोकेशन में बिल्कुल भी सहायक नहीं होती है। भाई मूल थोड़ी ना फूड ट्रांसलोकेट करेगी, भाई अपने पास में फूड ट्रांसलोकेट तो फ्लोएम करेगा, तो इसलिए अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एडप्टर इज। तो अपने पास में देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछ रहा है बच्चों आपको, तो पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, और प्लास्टोक्विनोन किसको देती है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स किसको देता है, प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन किसको देता है, पीएस फर्स्ट को, पीएस फर्स्ट अपनी प्रोटीन को देता है, और ये प्रोटीन अपने पास में वापस प्लास्टोसाइनिन को दे देती तो अपने पास में क्या हो जाता, साइक्लिक। पर इस प्रोटीन ने चालाकी कर दिया और प्लास्टोसाइनिन को नहीं दिया, फेरोडोक्सिन के पास में जाता है ये, फेरोडोक्सिन ने किसको दे दिया, एनएडीपी को दे दिया, और एनएडीपी इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए उड़ा देता है और बना देता है NADPH+। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, NADP। क्लियर है बात। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिएगा बेटा टू स्पीड अप ऑफ माल्टिंग प्रोसेस इन बेवरिंग इंडस्ट्रीज एंड हैस्टेटिंग ऑफ मैच्योरिटी पीरियड इन ज्यूवेनाइल कॉनिफर द हार्मोन यूज्ड इन। आपसे पूछा गया है कि अपने पास में शराब उद्योग में माल्टिंग प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए और किशोर शंकु वृक्ष की परिपक्वता के समय को तीव्र करने के लिए किसको उपयोग में लाया जाता है। तो माल्टिंग को बढ़ाने के लिए अपन यूज में लेते हैं बेटा जिब्रेलिन को। ठीक है, जिब्रेलिन माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, स्टार्च को गला देता है, जिससे कि शराब का उत्पादन ज्यादा हो सकता है। दूसरा, जिब्रेलिन कॉनिफर्स जो होते हैं, कॉनिफर्स वो होते हैं जो हिमालय के आसपास उगते हैं ऐसे प्लांट, उनकी अपने पास में लाइफ को क्या कर देता है बेटा, छोटा कर देता है। तो लाइफ को स्मॉल कर देता है क्योंकि उनको जल्दी परिपक्व करता है किशोर अवस्था को छोटी करके, तो लाइफ को अपने पास में क्या कर देता है, स्मॉल कर देता है, उनको जल्दी मैच्योर कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में जिब्रेलिन। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, द एबिगडन टॉर्टोइज एंड गैल्पेगो आइसलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन डेडिक आफ्टर गॉट वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइसलैंड इन द एग्जांपल ऑफ। आपसे पूछा गया है कि गैल्पेगो द्वीप पर लाई गई बकरियों के कारण से वहां पर उपस्थित एबिगडन कछुए 1 दशक में विलुप्त हो गए, ये किसका उदाहरण है।
तो ये अपने पास में कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन का उदाहरण है बच्चों। कॉम्पिटेटिव रिलीज और कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन दोनों पास पास में लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, और कुछ बच्चे इसको अपने पास में कॉम्पिटेटिव रिलीज का एग्जाम्पल मान लेते हैं। बच्चों कॉम्पिटेटिव रिलीज का एग्जाम्पल है बहुत चैथेमल्स है, ठीक है। तो अपने पास में चैथेमल जो अपने पास में ब्रैंकियल्स है वो अपने पास में इसके एग्जाम्पल है, और कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल अपने पास में क्या है ये एबिगडन वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब हम बात कर रहे हैं एक्जोनिमा ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला इज मेड अप ऑफ, एक्जोनिमा ऑफ सीलिया फ्लेजिला। एक्जोनिमा किस में प्रेजेंट होती है बेटा, सीलिया फ्लेजिला किसकी में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट की में। तो अपने पास में एक्जोनिमा जो होती है उसके अंदर अपने पास में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जिसका 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों, ट्यूबुलिन प्रोटीन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 179 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एल्यूरम सेल ऑफ द प्लांट विद 42 क्रोमोसोम इन द रूट टिप ऑफ सेल। आपको एल्यूरोन कोशिका में पूछा है बच्चों, एल्यूरोन कोशिका का मतलब होता है एंडोस्प्रम। एंडोस्प्रम की वो कोशिका जो प्रोटीन का अपने पास में स्टोर करेगी वो एल्यूरोन कोशिका कहलाएगी, और एंजियोस्प्रम का जो एंडोस्प्रम होता है वो त्रिगुणित होता है। तो आपको 2n = 42 दे रखा है और 3n = पूछा है, तो 21 × 3 हो जाएगा, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा 63, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, ठीक है। आपको ये मिलाना है, अब इसमें अपने पास में पहला है अपेयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब अपेयर होंगी, जब अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा जो अपना जो अपना क्रॉसिंग ओवर होगा उसके अंदर अपने पास में ये क्या होंगी बनेंगी। तो अपने पास में किसके अंदर अपेयर होंगी, किसके अंदर बनेंगी, क्रॉसिंग ओवर के अंदर, और क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होता है। डिसिनेप्सिस मतलब आपका सिनेप्स का घुलना, सिनेप्स कब घुलेगा, जब जायगोटिन अपने पास में कॉम्प्लेक्स हटेगा, तो ये अपने पास में कौन सी स्टेज में होगा बेटा, डिप्लोटीन में। डी जंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं एनाफेज फर्स्ट के अंदर, और सेंट्रोमियर डिवाइड होता है अपने पास कब, एनाफेज सेकंड के अंदर। तो इस तरह से अगर अपन इसको मिलाते हैं बच्चों तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गई अपने पास में पैकाइटिन में। डिसिनेप्सिस का मतलब होता है कि अपने पास में सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स घुल जाएगा और अपने पास में जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग हो जाएंगे, तो वो वाली कंडीशन, और डी जंक्शन अपने पास में हो गया। तो इसका आंसर अपन मिलाते हैं, ए में सेकंड है, बी में फर्स्ट है, और सी में अपने पास में थर्ड है, सी में थर्ड है, तो अपने पास में आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आपको सही अपने पास में आइडेंटिफाई करना है नॉन माइसिलियटेड फंजाई पेनिसिलियम, बिल्कुल गलत है। पेनिसिलियम तो बहुकोशिकीय फंजाई है, बिल्कुल माइसिलियम बनाएगा। यहां पर इष्ट होता तो कुछ अच्छा होता, ये सही हो जाता, ठीक है। तो पायनियर ऑफ द प्लांट सक्सेशन इन जीराज अपने पास में कौन, जीरोश्रेय कौन है, लाइकेन। सूक्ष्मारंभी अनुक्रमण में पादप अनुक्रमण का पुरागामी लाइकेन है, बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने पास में गलत नहीं है, यहां पर अपने पास में स्टेटमेंट सेकंड क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा है कनेक्टिव लिंक बिटवीन द प्रोटिस्टा एंड मोनेरा युगलिना, नहीं भाई युगलिना तो अपने पास में किसी की कनेक्टिव लिंक है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन अपंग कवक, ये तो खुद ही अपने पास में क्या है, हेटरोट्रोप्स है, तो ये कैसे चीफ प्रोड्यूसर हो सकते हैं। चीफ प्रोड्यूसर कौन होंगे, डाई एटम्स होंगे, कौन होंगे भाई, डाई एटम्स होंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि द रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, द रीजन फॉर प्रिकली पेयर कैक्टस टू स्प्रेड इन ऑस्ट्रेलिया इज ब्रॉट बाय, नागफनी के ऑस्ट्रेलिया में फैलने का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि बेटा एब्सेंस ऑफ कैक्टस फीडिंग एनिमल्स।
आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी नए स्थान पर लाया जाता है तो वो बहुत तेजी से वहां पर फैलता है, क्योंकि वहां पर उसके अंदर, उसकी हैबिट के अंदर नेचुरल प्रीडिएटर नहीं होता है, और नेचुरल प्रीडिएटर की एब्सेंस के कारण से ये बहुत तेजी से क्या होता है बेटा, स्प्रिट होता है। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में ये डायग्राम है बच्चों, और ये डायग्राम अपने पास में एनसीईआरटी का बना रखा है। तो अपने पास में इंटरनल अपने पास में इधर है, एक्सटर्नल लेवल इधर है, और इंटरनल एक्सटर्नल लेवल को आपसे मैच करना है। तो इस तरह से अपने पास में आप एनसीईआरटी का डायग्राम में बिल्कुल देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो बच्चों, जो एक्सटर्नल इंटरनल को एक्सटर्नल के बराबर कॉन्स्टेंट रखते हैं वो रेगुलेटर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो अपने पास में मेंटेन नहीं रख पाते वो क्या होते हैं, कॉन्फर्मर होते हैं। और अपने पास में एक इंटरनल एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, ये गलत कैसे हो गया? यही गलत इसलिए हो गया कि इंटरनल एनवायरनमेंट काफी टाइम तक तो चेंज हुआ, बाद में अपने पास में क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है? जबकि अपने पास में यहां पर देखिएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपने पास में चेंज हुआ। देखो इधर अपने पास में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, इंटरनल कांस्टेंटली चेंज हो रहा है। इंटरनल चेंज थोड़ी होगा, वो तो इंटरनल को कांस्टेंट बना करके रखते हैं, तो इंटरनल कांस्टेंट है, एक्सटर्नल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो बी आंसर हो गया अभी। ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान से देखना, इनको अपने पास में मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सभी पादपों में पाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, सभी में नहीं पाया जाता है, नगन बीजी में उपस्थित होता है। नगन बीजी में अपने पास में नेक्ड जो सीडेड प्लांट है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है जनरली। ठीक है? अब अपने पास में प्रेजेंस अपने पास में दो स्थायी उत्तकों के बीच में अपने पास में प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, और ओरिजिन में प्राइमरी होता है, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको कह रहा है कि ए स्टूडेंट कट द सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट, ही फाउंड द होमोजीनस पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल कंजक्टिव टिश्यू एंड फोर वैस्कुलर बंडल वेयर जाइलम एंड फ्लोएम आर अल्टरनेटली अरेंज्ड इट मे बी। देखो बेटा, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली अरेंज्ड है, एकांतरित रूप से व्यवस्थित है। तो मतलब एक जाइलम एक फ्लोएम, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब अपने पास में रूट है, क्योंकि अपने पास में रेडियल विन्यास है ये, तो रूट हो गई पहली बात, तो अपने पास में रूट हो गई, तो स्टेम वाले तो अपने ऑप्शन गए। ठीक है? अगर अपने पास में चार वैस्कुलर बंडल है और कंजक्टिव टिश्यू है, ये एनसीईआरटी बिल्कुल साफ साफ लिखती है कि कंजक्टिव टिश्यू अपने पास में किसमें होता है, डाइकोट की रूट के अंदर होता है। ठीक है? तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हाँ बेटा, अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है 187। इसमें कह रहा है, ए फोटोसिंथेटिक फिलामेंटस प्रोकैरियोट विद जेलेटिनस शीथ हैविंग हेटरोसिस्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर अबाउट करेक्ट अबाउट हेटरोसिस्ट। तो बच्चों, आपको किसके लिए पूछा है, हेटरोसिस्ट के लिए, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन डाले जाता था तो उसमें इट लिखा होता था, तो अपने पास में कई जगह कंफ्यूजन हो जाता था कि यहाँ पर अबाउट इट आता था, तो कि भाई फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के लिए पूछा है या हेटरोसिस्ट के लिए पूछा है। तो अब हमने इसको क्लियर कर दिया है, कंफ्यूजन मिटा दिया है, हेटरोसिस्ट के बारे में पूछा है। तो पहला है, इट परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। इम्परमेबल फॉर गैसेज, ऑल गैसेज आता तो ये गलत हो जाता, इम्परमेबल फॉर गैसेज रखा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि ये अपने पास में कुछ गैसेज जैसे ऑक्सीजन वगैरह के लिए इम्परमेबल होता है। लार्ज स्ट्रक्चर देन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये भी सही बात है कि अपने पास में लार्ज होती है नॉर्मल से। ठीक है? अपने पास में इट हैज प्रोफ्यूज्ड फोटोसिंथेटिक एपरेटस, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एपरेटस इसके अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि अपने पास में इसने ऑक्सीजन रिलीज करना बंद किया, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रिलीज करता तो ऑक्सीजन इज एक्टिव नहीं रहता। अब इसके बाद में इट इज नॉट एक्टिव साइट टू फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। हेटरोसिस्ट जो होती है बच्चों, उसमें क्लोरोफिल अपने पास में खत्म हो जाता है और वो अपने पास में नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, और नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर में चेंज होकर के अपने पास में फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देती है। तो अपने पास में फोर क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो अपने पास में फोर करेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को अपने पास में बहुत बार ये दिया भी जाता है और बहुत बार इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो लास्ट टाइम पर हमने इस कंफ्यूजन को मिटाने की कोशिश की है। ए फोटोसिंथेटिक फिलामेंट ऑफ प्रोकैरियोट विद जेलेटिनस शीथ हैव हेटरोसिस्ट,
हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हेट्रोसिस्ट। पहले यहाँ पर इट लिखा हुआ होता था, इट लिखा हुआ होता था तो इट का मतलब वो फोटोसिंथेसिस फिलामेंट के बारे में भी पहुंच सकता है या हेट्रोसिस्ट के में, फिर हमें दोनों का आंसर देना जाता था। अब हमने क्या कर दिया, क्लियरली अपने पास में ये कर दिया है आपको कि अपने पास में क्या है बच्चों, बिल्कुल आपको हेट्रोसिस्ट के बारे में बताना है, किसी के बारे में नहीं बताना। तो इट परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, इम्परमेबल फॉर गैसेज, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि ऑल गैसेज लिखा होता तो कुछ दिक्कत हो जाती, अगर इम्परमेबल फॉर गैसेज लिखे तो ये ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होती है, ऑल में तो नाइट्रोजन तो इसके अंदर आती है तभी तो फिक्सेशन होगा, तो ये भी सही बात है। इट इज लार्ज स्ट्रक्चर देन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये भी सही बात है, ठीक है। इसके बाद में लिखा है इट हैज प्रोफ्यूज्ड फोटोसिंथेटिक एपरेटर्स, बिल्कुल गलत बात है, अपने पास में फोटोसिंथेसिस तो इसमें खत्म ही हो जाता है, तो ये हो गया। इट इज नॉट एन एक्टिव साइट ऑफ फॉर्मेशन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, भाई हेट्रोसिस्ट तो हेट्रोट्रॉप्स होती है और हेट्रोट्रॉप्स होती है तो अपने पास में वो कोई भी फूड का सिंथेसिस नहीं करती है, वो अपने पास में ना ऑक्सीजन का सिंथेसिस करती है। अब आपसे करेक्ट पूछा है तो अपने पास में क्या है, 3 करेक्ट हो गए बच्चों, अपने पास में 2 क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। चले आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88, when pollen grain of one flower fall on the stigma of another flower on the same plant this condition is called। देखो बच्चों आपको पता है कि 3 अपने पास में कंडीशन होती है, एक फ्लावर के खुद के अंदर होगा तो अपने पास में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, और एक फ्लावर के टू, एक प्लांट के टू फ्लावर के बीच में होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में अपने पास में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोलिनेटर की, पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इकोलॉजिकली तो क्या हो गया, क्रॉस हो गया, बट जेनेटिकली अपने पास में क्या हो गया, सेम, क्योंकि एक ही प्लांट के बीच में हो रहा है तो जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन, इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने पास में मैच द कोलम का दिया गया है, तो अपने पास में यूरीथर्मल, यूरीथर्मल वो होते हैं जो अपने पास में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट करते हैं, तो अपने पास में इसमें देख लीजिएगा, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब थर्ड से मिला दीजिएगा। रेगुलेटर वो होते हैं जो अपने आंतरिक पर्यावरण को एक समान स्थिर बनाए रखते हैं, तो स्थिर बनाए रखते हैं तो अपने पास में फोर से मिला दीजिएगा। कॉन्फर्मर नहीं बनाए रखते हैं, वो जैसा एनवायरमेंट होता है वैसे ही खुद को चेंज कर लेते हैं। और डाइपोज अवस्था एक निलंबन की अवस्था होती है बच्चों, तो इस तरह से मिलाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में पूछा गया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ मैच अमाउंट फॉलोइंग, ठीक है, कितने अपने पास में करेक्ट मैच है। पहला है पिन्नेट कंपाउंड लीफ, नहीं भाई ये पालमेट लीफ है तो अपने पास में पिन्नेट लीफ नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। तो पालमेट लीफ है इसलिए ये पिन्नेट बोला हुआ है, रॉन्ग हो गया। बोर्न एसिटोनिया में होता है, गुआवा में अपोजिट फाइलोटॉक्सी होती है, अपने पास में ये भी सही है। अपस्थानिक जड़ है पर गाजर नहीं होती है, ठीक है, ये कौन होती है बेटा, अपने पास में शकरकंद स्वीट पोटेटो होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। और ये अपने पास में पिनेट कंपाउंड लीफ इन अपने पास में नीम, ठीक है, तो ये अपने पास में सही है, तो कितने रॉन्ग हो गए, 2, आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक्सिलरी बर्ड प्रोड्यूस कक्षस्थ कलिकाएं उत्पादित करती है, तो कक्षस्थ कलिकाएं या तो अपने पास में फूल का निर्माण करेंगी या फिर उनसे क्या निकलेगी, ब्रांच निकलेगी, तो फ्लावर एंड ब्रांच का अपने पास में फॉर्मेशन करती है। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर में कंफ्यूज होंगे और थर्ड लगा करके आएंगे, एक्जाइल ऑफ सिंपल और कंपाउंड लीफ, तो अपने पास में इसके अंदर तो ये उपस्थित होती है, इसका निर्माण नहीं करती है, सिंपल और कंपाउंड लीफ के अपने यहाँ पर कक्षस्थ कलिका है, यहाँ से ब्रांचें निकलेंगी, यहाँ से फ्लावर निकलेगा, तो वो अपने पास में इसका निर्माण नहीं करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर और ब्रांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड द पीपल कंसर्न विदाउट अपने पास में पेमेंट इज नोन एज,
तो बेटा सिंपल सी बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनी व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उसके संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। और बायोपायरेसी में आप वहां के अपने पास में संसाधनों को उपयोग में ले सकते हो, तो ये एक चोरी है एक तरह से जो अपने पास में की जाती है विकसित देशों के द्वारा। अब अपन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा, तो कंसीडर द फॉलोइंग आपको करना है। अब क्लोरोप्लास्ट में कितने प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए बेटा, डीएनए अपने पास में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्रिस्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है, आरएनए प्रेजेंट होता है, सीएफ0 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और ल्यूमन भी अपने पास में क्या होती है, ल्यूमन को अपन देखते हैं। हाँ भाई, ल्यूमन अपने पास में क्या होती है, जो क्लोरोप्लास्ट का अपने पास में थाइलेकोइड होता है, तो थाइलेकोइड के अंदर अपने पास में क्या प्रेजेंट होती है? ल्यूमन। अपन ये भी लिखते हैं कि भाई ल्यूमन के अंदर अपने पास में क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। तो इसका मतलब तो अपने पास में सारी चीजें ही क्या हो जाती है, उसके अंदर प्रेजेंट हो जाती है। क्रिस्टी की बात करें तो हाँ, क्रिस्टी अपने पास में नहीं प्रेजेंट होती है भाई, ठीक है, क्रिस्टी अपने पास में नहीं प्रेजेंट होती है। क्रिस्टी जो होती है वो अपने पास में बनती है किसके अंदर? डीएनए के अंदर। वो तो बच्चों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। तो आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग, दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और कितने हरित लवक में उपस्थित होते हैं। तो अपने पास में क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, खुद के एंजाइम होते हैं, आरएनए होता है, क्रिस्टी नहीं होते हैं, सीएफ0 होते हैं, और ल्यूमन अपने पास में थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो छह अपने पास में उसके अंदर क्या होते हैं बेटा? उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि भाई कैटालॉग, आपको पता है कि कैटालॉग जो है वो अपने पास में क्या करता है बच्चों? कैटालॉग जो है ये कैसे चल रहा है? तो कैटालॉग अपने पास में जो है ये क्या करता है? बैरिफ डिस्क्रिप्शन रखता है, किसी क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण रखता है। फ्लोरा जो होता है ये अपने पास में प्लांट स्पीसीज के बारे में अपने पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है। तो अपने पास में फोर्थ ए में और अपने पास में थर्ड डी में, तो ये आंसर हो गया सेकंड। क्लियर है? अब सेकंड अपने पास में आंसर हो गया, तो बी में अपने पास में क्या हो जाएगा? प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज। तो ये आपको अपने पास में एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं क्लियरली, तो आप वहां से मैच भी कर लिए हुए और मैंने मैच कर दिया है। तो अब आगे का क्वेश्चन अपन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे अब पूछा गया है वो अपने पास में क्या है कि दिए गए पुष्प चित्र को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पुष्प सूत्र दिया गया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? सही विकल्प का चयन करना पड़ेगा। तो बच्चों अब देखिएगा अपने पास में ये तो बिल्कुल भी चांसेज नहीं है, ठीक है। अब चांसेज क्या है कि अपने पास में ये भी बिल्कुल भी चांसेज नहीं है, क्योंकि पेरियंथ होता ही नहीं है, कैलिक्स कोरोला होता है, चांसेज इन दो के हैं, ठीक है। तो ये दो अपने पास में चांसेज हैं। अब इसमें अपने पास में ऊपर वाला हो नहीं सकता सेकंड, क्योंकि इसके जो दल हैं वो जुड़े हुए नहीं है और इसके अपने पास में जो पेटल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। थोड़ा सा माइनर क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से और सावधानी पूर्वक करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है कि किसने किसकी खोज की थी। तो अपने पास में जिब्रेलिन की खोज क्रूसेवा ने की थी, ऑक्सीजन की खोज एफडब्ल्यू वेंट ने की थी, और अपने पास में स्कूक मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की थी, और अपने पास में इथाइल कॉन्शियस ने की थी। तो अपने पास में ये मैच हो जाएगा बच्चों, किस किस प्लांट में की थी ये भी आप इस चीज को ध्यान रखना। इन्होंने अपने पास में हेरिंग फिश के स्पर्म के अंदर की थी, इन्होंने अपने पास में राइस के अंदर की थी, और इन्होंने अपने पास में जो एनाबिना है उसके अंदर अपने पास में देखा था। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट स्टेज, करेक्ट सीक्वेंस आपको देखनी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले लेप्टोटिन आती है, लेप्टोटिन के बाद जायगोटिन, जायगोटिन के बाद पैकाइटिन, पैकाइटिन के बाद में डिप्लोटिन, और डिप्लोटिन के बाद में अपने पास में डाइकाइनेसिस। तो अपने पास में डिप्लोटिन के बाद क्या आ जाती है? डाइकाइनेसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 क्या कह रहा है? क्रोमोसोम डुप्लीकेट ड्यूरिंग,
क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन पूछा है, तो अपने पास में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में होता है, जो अपने पास में किसकी फेज है बेटा? इंटरफेज की। तो इंटरफेज में अपने पास में क्या होता है? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व फर्स्ट ड्यूरिंग बी। भाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कब होगा प्यारे बच्चों? नंबर इंक्रीज केवल और केवल अपने पास में एनाफेज स्टेज में होता है, जब अपने पास में दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाती है, तो इस स्टेज में अपने पास में एक बार क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है। तो इंटरफेज एंड एनाफेज इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्लियर है भाई? तो अब अपने पास में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनिज्म हैव सोप लाइक अपने पास में क्या विच ऑर्गेनिज्म हैव सोप लाइक स्ट्रक्चर? तो आपको पता है कि सोप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो डाइएटम्स में होती है। तो डाइएटम्स अपने पास में कैसे रखता है? सोप लाइक स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो अपने पास में इन पाइनस द हैप्लोइड स्ट्रक्चर आर, पाइनस के अंदर अपने पास में एगुणित संरचना है। तो मेगास्पोर बिल्कुल सही बात है, एंडोस्पर्म बिल्कुल सही बात है, एम्ब्रियो नहीं होगा, एम्ब्रियो द्विगुणित होगा। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, ठीक है भाई? तो माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, क्योंकि पाइनस का एंडोस्पर्म जो होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, और बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है तो क्या होता है? अगुणित होता है। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों आपका अपने पास में दंगल 11 कंप्लीट हुआ। आप बेहतरीन तरीके से अपने पास में तैयारी करते रहिएगा, थोड़े दिन बचे हैं, नीट के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कीजिएगा, अच्छा सिलेक्शन दीजिएगा। तो आपको अपने नीट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।